हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन फॉर सीडीएस, आल्सो फॉर द अदर एग्जाम। जहां पर अगर मैं बात करूं एसएससी एग्जाम की, सीपीओ, एमटीएस, सीजीएल, तो वहां पर भी जो डीआई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो डीआई है उसके बारे में सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। मान लो जैसे परसेंटेज के दो तीन कंसेप्ट है वो आपको पहले पता होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एवरेज का बेसिक आना चाहिए और रेशियो को कंपेयर करने आना चाहिए और पाई डायग्राम को कंपेयर करना इजी तरीके से वो भी आना चाहिए। तो ये बेसिक पार्ट है, 10 मिनट के अंदर आपको समझ आएगा। उसके बाद ही हम यहाँ पे सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बट ये सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद अगर आप एसएससी का या कोई भी स्टेट एग्जाम दे रहे हो फ्यूचर के लिए, या चाहे वो सीएपीएफ का एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पर जो भी डीआई के क्वेश्चन आएंगे वो आप इजिली हैंडल कर सकोगे। ठीक है, बैंक एग्जाम में मैं बिल्कुल कह सकता हूँ थोड़ा सा लेवल हाई आएगा एज कम्पेयर टू टूडे वीडियो। तो बैंक एग्जाम के लिए हम अलग से कोई वीडियो बनाएंगे, बट अभी के लिए बता दूं अगर बैंक एग्जाम के लिए कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वो भी बेसिक यहाँ से कवर कर सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पर आज के इस YouTube चैनल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो इस YouTube चैनल के अंदर कोई भी स्टूडेंट CDS के लिए पढ़ना चाहता है, ज्योमेट्री ऑफ बेसिक, बेसिक ऑफ ज्योमेट्री, वो सारे के सारे यहाँ पे सेशन अवेलेबल है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं। सिमिलैरिटी, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सारा कुछ अवेलेबल है। ऐसे ही सर्ड इंडाइसेस के मेन मेन क्वेश्चन और शॉर्टकट, हाइट एंड डिस्टेंस के मेन मेन क्वेश्चन और बेसिक, और CDS के लिए अगर स्टैटिक्स पढ़ना है तो वो भी यहाँ पर मीन, मॉड, मीडियन आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके अलावा नंबर सिस्टम काफी अच्छा डिटेल में पढ़ाया गया फॉर ऑल द एग्जाम, चाहे यूनिट डिजिट है, चाहे नंबर ऑफ जीरोस है, चाहे वो लास्ट टू डिजिट है, तो इन वीडियो का बेनिफिट आप ले सकते हैं। लास्ट में आपके पास CDS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे ईयर वाइज 100-100 क्वेश्चन। फिर अल्जेब्रा हो गया, अल्जेब्रा फॉर ऑल द एग्जाम शॉर्टकट, ट्रिग्नोमेट्री हो गया फॉर ऑल द एग्जाम शॉर्टकट, और फिरदौसी बैच। फिरदौसी बैच में आपको कंप्लीट अर्थमेटिक पढ़ाया गया है। अगर मैं बात करूं परसेंटेज तो परसेंटेज भी यहाँ पे है, रेशियो प्रोपोर्शन वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, और प्रॉब्लम नॉलेज ये भी अवेलेबल है। इसमें एक वीडियो के अंदर सबसे पहले बेसिक बताया गया है, फिर आपको मिक्स क्वेश्चन करवाए गए हैं, लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे जहां पर कोई शॉर्टकट नहीं लगता उन पे इक्वेशन बनाई जाती है, वो भी चीज आपको इस बैच, इस क्लासेस के अंदर मिल जाएगी। सारे के सारे लिंक यूट्यूब के ऊपर फ्री है, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिलेंगे, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम आप सारे बच्चे जरूर ज्वाइन करें, वहां पर कोई भी अपडेट होगा आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज का बेसिक पार्ट। बेसिक पार्ट की बात करें डीआई के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज को कैसे कंपेयर करेंगे। मान लो ये हमारे पास एक ए है और दूसरा नंबर बी है, तो ए के पास 10 रुपए है, बी के पास 20 रुपए है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ऐसा ना हो कोई स्टूडेंट सोचे यहाँ पे सर ने क्वेश्चन ही स्टार्ट किए, तो क्वेश्चन आपको तभी आएंगे अगर ये बेसिक आता है, नहीं तो 10 मिनट की आप वीडियो फॉरवर्ड करके देख लो, आपको क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ए बी का डाटा अवेलेबल है, यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो बी है, बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए। तो अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा रहा है तो बी ए से कितना ग्रेटर दिख रहा है आपको यहाँ पे, 10 नंबर, तो आप लिखोगे 10 नंबर ग्रेटर है बी। और किससे कंपेयर किया गया, देखो ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कंपेयर किया गया वही डाटा आपका डिनोमिनेटर में आएगा। ए लिखा है यहाँ पे तो ए का डाटा आपका डिनोमिनेटर में होगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास परसेंटेज आएगा, दैट इज इक्वल टू 100%। क्लियर। और सेकंड बात इसमें जो सीखने वाली ये थी, अगर ये लिखा आ जाए आपके पास ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, लेस देन बी, तो क्या करेंगे, तो आपको पता है कि ए आपके पास यहाँ पे 10 कम है बी से, तो आप लिखोगे 10 नंबर कम है। अब किससे कंपेयर हुआ, बी से, तो बी वाला डाटा अब की बार आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे टू कैलकुलेट द परसेंटेज, दैट इज इक्वल टू 50%। समझ आया सबको, ये आपको सारी चीजें मैंने फिरदौसी बैच में पढ़ाई है, अगर वहां से आपने सीख ली है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन आंसर के ऊपर जा सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं बोल दूं आपको कि 20% की वैल्यू, मान लो आपके पास गिवन है यहाँ पे 50 रुपए, तो अगर मैं पूछूं आपसे बताओ 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी, फिर तो आप यहां से निकालेंगे सबसे पहले 1%, 1% कितना होगा 50/20, और 100% कितना हो जाएगा यहाँ पे 50/20 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इस चीज को सीखें, ये आपका यूनिटरी मेथड है। आप अगर यहाँ से डायरेक्ट इसके ऊपर आना चाहते हैं डायरेक्ट भी आ सकते हैं, जैसे 50 वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी मैंने ऊपर के वाले पार्ट में, और जो वैल्यू यहाँ पे गिवन थी
उसको लिखा मैंने डिनोमिनेटर में, जो पूछा गया है उसको लिखेंगे मल्टीप्लाई में। हो सकता है किसी स्टूडेंट को लगे सर ये पता नहीं क्या हो गया, तो आप एक बार दोबारा से सीखिए इसको। मान लो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 25% की वैल्यू, हमारे पास 4 है, तो आपसे पूछ ले जाएगा ये बताओ 100% की वैल्यू क्या होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ इस वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, इस वैल्यू को हम करेंगे यहाँ पे डिवाइड में, और इस वैल्यू को करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में। कई बार स्टूडेंट परसेंटेज भी कॉपी कर लेते हैं, तो परसेंटेज लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा वो, ठीक है। ये आपके पास कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16, इसको बोलेंगे परसेंटेज कंपेयर। तो परसेंटेज डीआई के लिए अगर आपने सीखना है, सबसे पहले आपको कंपेयर करना आना चाहिए, दूसरा आपको ये वाला यूनिटरी मेथड का कंपेयर भी आना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं रेशियो वाले कंसेप्ट के ऊपर। रेशियो के कंसेप्ट में आपको ज्यादा कुछ नहीं आना चाहिए, आपको कंपेयर करना डायरेक्ट आना चाहिए। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है वो भी हम सीख लेते हैं। आपको यहाँ पर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे लिखा मैंने ए और बी, हमारे पास इसकी रेशियो 1:2 गिवन है। मैं आपको बोल देता हूँ कि ए और बी दोनों के पास यहाँ पे 60 रुपए हैं, बताओ ए के पास कितने रुपए होंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया मेरे पास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3 की वैल्यू 60 है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी, यहाँ पर 1, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, वही जो अभी सीखा है यूनिटरी मेथड। इस वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे डायरेक्ट आएगा 20। क्लियर हो गया। बट ये सीखने के बाद हमारी यहाँ पे डीआई खत्म नहीं हो जाएगा, इसको आप ध्यान से सीखें, ये आपके बैंक के एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल से आपके काम आने वाली चीज है। क्योंकि बैंक में बार बार ये चीजें नहीं लगा पाएंगे, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसको छोटा बनाने के लिए हम इस लैंग्वेज को डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर आप ध्यान दोगे 1, और कितना है टोटल मेरे पास, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 3, मल्टीप्लाई जो इन दोनों का सम था वो। अब काफी बच्चों को लगेगा यहाँ पर ये तो सर याद करने वाला कंसेप्ट हो जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं जरूर बोलूंगा, आप करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ मेरे पास ए बी सी डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है 1:2:3:4, ठीक है, और इन चारों का जो सम है, इन चारों का जो मेरे पास यहाँ पे सम है वो गिवन है, मान लेते हैं यहाँ पे 400 रुपए, यह मान लेते हैं 400 रुपए गिवन है। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन पूछा रहेगा ये बताओ यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, या तो आप पूरा का पूरा जैसे मैंने बताया आप ऐसे कंपेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप सीधा लिखोगे कि बी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास यहाँ पे 2, आउट ऑफ इट टोटल नंबर कितने मेरे पास यहाँ पे, इनको ऐड करेंगे यहाँ पे 10, डिवाइड बाय 10 और मल्टीप्लाई, चारों का सम आएगा। अब यहाँ पे सीखना ये था, अगर मेरे पास ये वाला पोर्शन आपने देखा है ये हमारा कंबाइन सम है, और डीआई में हमेशा कंबाइन सम ही गिवन होता है, हमेशा मोस्टली 99% क्वेश्चंस में, ठीक है। तो जब ये आपके पास कंबाइन है तो डिनोमिनेटर भी आपको यहाँ पे कंबाइन चाहिए, ऐसा ना हो कि आपके पास सी की वैल्यू गिवन हो आप वहां पे भी आप टोटल इस वैल्यू को निकालेंगे, वो चीज आपकी गलत करेगा, तो उसके लिए आपको यही कंपेयर करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। तो ये आपका शॉर्टकट कहाँ पे काम आएगा, तब आएगा जब आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पे गिवन है, क्लियर। बाकी रेशो प्रोपोर्शन जरूर एक बार आप फिरदौसी बैच में जाके वहां से कवर कर सकते हैं। अब चलते हैं पाई डायग्राम के कुछ बेसिक पार्ट। पाई डायग्राम की अगर मैं बात करूं, कुछ सर्कुलर फॉर्मेशन में होता है, सर्कुलर फॉर्मेशन के अलावा अब इसमें ऐसे इसके पार्ट्स बनाए जाते हैं, मैं इसके 5 पार्ट्स बना लेता हूं, ठीक है। एक मेरे पास दूसरा, और ये तीसरा, और ये हमारे पास यहाँ पे चौथा, 1, 2, 3 चार ही पार्ट बनाए हमने, ठीक है। 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, डबल पाई ग्राफ भी हो सकता है, ट्रिपल पाई ग्राफ भी आ चुका है बैंक एग्जाम में, तो ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होगा ए की वैल्यू 15%, बी की वैल्यू भी 15%, सी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 30%, और डी बाकी बचा हुआ, ये आएगा आपके पास रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, सबसे इसमें जो सीखने वाली बात यह है, क्योंकि आपने परसेंटेज सीखा है फिरदौसी बैच में, वहां पे बताया था कि जो भी टोटल कंबाइन होगा मेरे पास वो हमेशा क्या होता है 100% होते हैं। आप देखो 15 और 15 हो गए 30, 30 और 30 60, तो ये कितना बच जाएगा 40%, तो डीआई के अंदर ये आपका 40% रहा होगा। ये आपको निकालना भी पड़ सकता है कुछ क्वेश्चंस में, नहीं तो अदरवाइज गिवन भी होगा, ठीक है। तो इसमें आपको सीखना क्या था, इसमें आपको यहाँ पे कम से कम 6-7 कंसेप्ट सीखने वाले हैं, बट मैं आपको सिर्फ आपको 2-3 कंसेप्ट बताऊंगा जिसमें सारी कवर हो जाएंगी, क्लियर। सबसे पहली बात तो आपके पास ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे मैं गिवन करवा देता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों का जो सम है वो आपके पास यहाँ पे 1000 रुपए गिवन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन ये होगा कि अगर मैं यहाँ पर बी प्लस सी को ऐड कर देता हूँ और रेशो बना लेता हूँ यहाँ पर किसकी, ए प्लस डी की, तो इनकी रेशो क्या होगी। बात समझ आ रही है। तो इसमें काफी बच्चे गलती क्या करते हैं, बी और सी को ऐड कर लेते हैं, कितना आ गया 45%। तो स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ से 45% निकालते हैं, किसका 45% निकालेंगे, जो कि कंबाइन इनका सबका गिवन था,
बात तो ठीक है, बट जब बात आपके पास रेशो की आएगी, तो जब आप ए और डी का बनाएंगे वो कितना आएगा, 55%, 40 और 15, 55, तो 55% मल्टीप्लाई बाय आप यहाँ पे भी 1000 करेंगे, तो ये 1000 और 100 तो कट ही गया सीधा, तो आप इसकी रेशो सीधा यहाँ पे 45 और 55 से भी तो निकाल ही सकते थे ना, 9:11। तो ये लिखने का हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा इससे डायरेक्ट आंसर फाइंड कर पाएंगे। बात समझ आ रही है सबको? हम इस वैल्यू का यूज नहीं करेंगे जब आपके पास पाई डायग्राम के अंदर रेशो पूछा होगा, तो रेशो के लिए आपको सिर्फ इसका यूज करना है, वैल्यू का यूज आपने नहीं करना है। बात समझ आई? दूसरा आपके पास इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, दूसरा आपके पास ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जो सी है, सी की वैल्यू बतानी है कितनी ज्यादा है हमारे पास बी से। ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन, सी की वैल्यू कितनी ग्रेटर है यहाँ पर बी से, ये पूछा होगा। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आप सी का पहले 30% सी देखते रहो, यहाँ पे 30% है तो सी यहाँ पर आप इसका 30% निकालो 1000 का, फिर बी का देखो 15% है वो आप निकालो यहाँ पर 1000 का, फिर इन दोनों का डिफरेंस चेक करो तो पता चलेगा कितना ग्रेटर है। ये चीज हमें टाइम वेस्ट वाली करेगी, आपको सीधे ही देखना है कि सी हमारे पास कितना था यहाँ पे 30%, बी कितना है मेरे पास क्वेश्चन में 15%, तो सी इससे कितना ज्यादा है, 15% ज्यादा है ना, तो सीधा ही आप इस 15% की वैल्यू निकालेंगे, 15% ऑफ 1000 विच इज इक्वल टू 150। क्लियर हो गया सबको? एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास, हाँ 150 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मतलब इसमें आपने ये सीखा कि आपको अलग अलग वैल्यू नहीं निकालनी है, आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं जब आपसे वैल्यू पूछी जाएगी, तब इस वैल्यू का यूज करेंगे, अगर रेशो में क्वेश्चन पूछा है तो वैल्यू का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका पहला बेसिक पार्ट है, आपको दोनों चीजों यहाँ पे समझ आनी जरूरी है। अब चलते हैं पाई डायग्राम का सेंट्रल एंगल के ऊपर। पाई डायग्राम के लिए मैं एक बार फिर से डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर, कुछ ऐसे अभी हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, ये मेरे पास ए था, ये बी और ये सी और ये डी, और ये 10%, ये हमारे पास 15%, और सॉरी ये 15 ही था हमारे पास यहाँ पे, इसको 15 लिख लेते हैं, और ये 30% और ये 40% आया थर्मिन। ठीक है, इसको एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास 15% है। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है सेंट्रल एंगल का, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन बनता है इस डायग्राम के ऊपर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा होता है जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एक्स एंगल, इसको बोलेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ बी। बात समझ आ रही है सबको? ये आपको सीखना होगा यहाँ पे, अगर मैं पूछूं डी का सेंट्रल एंगल तो ये होगा, ए का सेंट्रल एंगल ये होगा, और सी का सेंट्रल एंगल ये होगा। ठीक है, टोटल मेरे पास ए बी सी डी का परसेंटेज कितना होगा, टोटल मेरे पास ए बी सी डी का परसेंटेज 100% होगा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। और सर्कल के अंदर एंगल कितना हो सकता है सेंट्रल वाला, मैक्सिमम से मैक्सिमम 360 डिग्री हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि 1% की वैल्यू मेरे पास 3.6 डिग्री रही होगी, ये तो कभी भी चेंज नहीं हो सकती फ्यूचर में। तो इस चीज को आप सारे बच्चे याद भी कर सकते हैं, ठीक है, इस पार्ट को आप याद रख लें। क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा, क्वेश्चन आपके पास थर्ड इस बेसिस के ऊपर ये आएगा कि ये बताओ जो हमारे पास यहाँ पर डी है, डी का सेंट्रल एंगल जो है वो कितना ग्रेटर है हमारे पास बी से, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सेंट्रल एंगल। तो डी का बी से सेंट्रल एंगल कितना ज्यादा है, तो हम देखेंगे यहाँ पर ये 40% है, ये मेरे पास यहाँ पे 15% है, तो डी हमारे पास 40% है, बी हमारे पास 15% है। ऐसा नहीं करेंगे कि हम अकेले अकेले का सेंट्रल एंगल निकालेंगे, वो चीज आपको टाइम वेस्टेज वाली लगेगी। आप सीधा देखो कितना परसेंटेज ज्यादा है, 25%, और हमें पता है कि 1% की वैल्यू कितनी होती है, 3.6 डिग्री, तो 25% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25% की वैल्यू हो जाएगी 3.6 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 25, क्योंकि एक को डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्लियर हो गया सबको? ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको इसके बारे में यहाँ पे पता होना नेसेसरी है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये बताओ सी का सेंट्रल एंगल क्या है, तो सी हमारे पास सीधा 30% है, सीधा आप उसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे। अब लास्ट पार्ट आ जाता है मेरे पास पाई डायग्राम के ऊपर, उसके बाद लाइन ग्राफ भी है हमारे पास, काफी चीजें होंगी, बट वो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें बेसिक भी कुछ नहीं आएगा, सीधा एवरेज का कंसेप्ट लगाएंगे आंसर आएंगे। ठीक है, अभी हम सेंट्रल एंगल का एक लास्ट पार्ट और डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे पाई डायग्राम फिर से बना लेते हैं, ये मेरे पास ए बी सी डी वाला फॉर्मेट ही है, ये ए था और इसको यहाँ पे बना लेते हैं, ये बी है और ये सी है और यहाँ पे डी। अब की बार क्या होगा, आपको सेंट्रल एंगल दे दिया जाएगा, मान लो ये आपके पास यहाँ पे कम से कम नहीं है 50 डिग्री के आसपास मान लेते हैं, ये आपके पास यहाँ पे 70 डिग्री के आसपास मान लेते हैं, और ये वाला एंगल हम मान लेते हैं यहाँ पर 120, और ये वाला मान लेते हैं 60 डिग्री के आसपास, वैसे कम होगा बट मान लेते हैं 60, और ये आपके पास जो भी रिमेनिंग बच जाएगा 360 में से माइनस करने के बाद। ठीक है,
तो इसका आपको यहाँ पर ये डाटा गिवन दे दिया जाएगा कि ए बी सी डी का जो तीनों चारों का सम है वो आपके पास यहाँ पर 1000 है, ठीक है। 1000 नहीं लेते हम, इसको 1200 ले लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, 1200 भी नहीं लेते हम, थोड़ी कोई और वैल्यू रख लेते हैं, मान लो 4800 ले लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कोई भी एग्जाम के अंदर वैल्यू होगी वो हमें चेक करनी पड़ेगी। अभी मैंने कोई वैल्यू ऐसा नहीं कि आपको रट रटा के ये वैल्यू लिख रहा हूँ, हमें एज इट इज ही कोई ना कोई वैल्यू इमेजिन कर रहे हैं जिससे कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें क्वेश्चन ये आएगा, ये बताओ जो बी है उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है ए से। डायग्राम आप देखोगे तो आपको सेंट्रल एंगल पे गिवन है, डायग्राम आपको परसेंटेज पे नहीं गिवन है। तो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, देखो जो किताबों में लिखा होता है वो तो काफी लेंथी पड़ेगा, आपको किताब में लिखा होगा कि 70 डिग्री है, पहले इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो। कैसे, हमें पता है कि 1% 3.6 डिग्री है, तो 3.6 डिग्री मेरे पास 1% के बराबर होगा, तो यहां से 70 डिग्री निकाला जा सकता है यूनिटरी मेथड, 1/3.6 × 70 यहाँ पे परसेंट, तो इससे आपकी 70% की वैल्यू आएगी। फिर आपके पास ये बी की वैल्यू आएगी, ऐसी आप ए की वैल्यू निकालोगे और परसेंट का डिफरेंस लेके आप सॉल्व करोगे, काफी लंबा चौड़ा काम हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरा, किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है कि हम बी की वैल्यू यहाँ पे 70 डिग्री है सर, ए की वैल्यू 50 डिग्री है, तो यहाँ पे जो दोनों का डिफरेंस है वो मेरे पास 20 डिग्री आ रहा है, तो बी मेरे पास 20 डिग्री ज्यादा होगा। तो किसी बच्चे के दिमाग में ये आएगा कि अगर हम सर ऐसा करें 20 डिग्री को डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें फिर, तो फिर भी टाइम बच जाएगा, टाइम बचेगा एज कम्पेयर टू दिस फॉर्मेट, बट ये भी टाइम ज्यादा लेगा। तो आपको याद रखना है कि जब आपके पास सेंट्रल एंगल गिवन होगा तो बाकी चीजों को आप भूल के सीधा कंपेयर करना सीखें। अब पूछा क्या गया था, बी इज ग्रेटर देन ए, कितना ज्यादा है 20 डिग्री। आपको ये देखना होगा कि हमारे पास 360 डिग्री की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पे 4800 रुपये गिवन है, क्यों, क्योंकि हमारे पास सभी का सेंट्रल एंगल का सम तो 360 होगा ना, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा कभी, तो मैं बोल सकता हूँ 360 की वैल्यू इसके बराबर होगी। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 20 डिग्री का वैल्यू बताओ, अब 20 डिग्री है क्या, उस वैल्यू को डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं 20 डिग्री जो हमने यूनिटरी मेथड सीखा था उसी से, कि 4800 वैल्यू ये तो ऐसी रहेगी, और 360 वाली वैल्यू जो गिवन थी उसको आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे और इस वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, आपको परसेंटेज से डिग्री, डिग्री से परसेंटेज वाली कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। अगर क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे डिग्री वाला है, इसको परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करने के लिए अगर बोल दिया जाए तो भी हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा आंसर फाइंड कर लेंगे। पहले आप यहाँ से देख लो, 0 से 0 कट जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे कट जाएगा 3 बार, और ये 12 के टेबल पे 400, तो ये आपके पास आंसर आएगा 800/3। बात समझ आ रही है सबको, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये बताओ बी इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन ए। तो आपको देखना है कि बी के पास यहाँ पे 70 वैल्यू है, ए के पास यहाँ पर कितनी वैल्यू है, 50 वैल्यू है, तो यहाँ पर बी का वैल्यू ए से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ए से, तो डिनोमिनेटर में ए आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा बी कितना परसेंट ज्यादा है। उसके लिए भी आपको इस वाले फॉर्मेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। हाँ, इस वाले फॉर्मेट की आपकी तब जरूरत पड़ेगी अगर आपको क्वेश्चन वाला यही बोल दे कि ये बताओ सी की वैल्यू जो है वो आपको इस पाई डायग्राम के अंदर टोटल कितने परसेंट की है, तो आपको देखना होगा सी मेरे पास कितना है, 60 डिग्री, तो आपको परसेंटेज वाला इस फॉर्मेट को आप कैलकुलेशन वाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, आई होप आपको बेसिक पार्ट समझ आया होगा, बट जिन बच्चों ने इसको नहीं लिखा होगा, सिर्फ देख रहे होंगे और अपनी कॉपी पेन पे आपने कुछ भी नोट नहीं किया, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये आपको 1 या 2 दिन के बाद सारा का सारा स्किप हो जाएगा आपके दिमाग से और भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको सारा का सारा पार्ट नोट करें जैसे जैसे आपको समझ आ रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये नोट अलग है तो नोट करते रहे उसमें, और अपने एक नोट्स बना लो, 5-10 मिनट लगेंगे, इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्ट हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन जो है वो आपके CDS मैथ एग्जाम के अंदर 2022 के सेकंड पेपर में पूछा गया है। इसके अंदर 4 स्टूडेंट है, वैसे तो ये सारा का सारा डाटा फ्री टाइम भी पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे भी आप कवर कर लेंगे। और ये देखो, मैंने आपको ऐसा टेबल वाले क्वेश्चन तो मैंने आपको कोई नहीं बताया, मैंने आपको एवरेज वाला क्वेश्चन कोई नहीं बताया अभी तक, और इसके लिए आपको बेसिक कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ एक आपको फॉर्मूला जो मुझे लगता है आजकल हर एक स्टूडेंट को याद होगा, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। बात समझ आ रही है सबको, ये चीज आपको याद रखनी नेसेसरी है। और इन्होंने बोला है कि जो हमारे पास यहाँ पे 4 स्कूल है उनकी एवरेज है 58, और ये बताओ 4th में कितने स्टूडेंट थे, और ये डाटा आपके पास गिवन है। आपको ये यहाँ पे सीखना होगा कि अगर 60 है और यहाँ पे 60 है तो ये नंबर और एवरेज है,
तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका 3600 मेरे पास सम आ जाएगा। अब ये कैसे सम आया है ये आपको यहां से सीखना पड़ेगा, ठीक है। एक ही फॉर्मूला एवरेज का, और कोई फॉर्मूला डीआई के अंदर हम यूज नहीं करने वाले, ठीक है। फिर आप देखेंगे 50 × 80 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4000। फिर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2000। इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 ऑफ एक्स, क्लियर। और ये मेरे पास सभी क्लासेस का सम आ चुका है। सम कितना आया मेरे पास, इनको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 6, और ये आएगा मेरे पास टोटल 9600 प्लस यहाँ पे 50 ऑफ एक्स। तो ये मेरे पास चारों स्कूल का जो सम है वो आ चुका है 9600 प्लस 50 ऑफ एक्स डिवाइड बाय 4 स्कूल का। मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा तो मेरे पास चारों स्कूल की एवरेज आएगी। अब फोर्थ जो हमारे पास 4 के 4 स्कूल है यहाँ पे अवेलेबल है, इनका नंबर कितना है, नंबर आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे 50 और 50, 100 और 60, 160, तो ये आएगा मेरे पास 160 प्लस एक्स। तो नंबर कितने हो जाएंगे यहाँ पे 160 प्लस एक्स। और ये मेरे पास एवरेज कितनी होगी इनकी, एवरेज आएगी मेरे पास 58, क्योंकि ये डाटा आपके पास यहाँ पे अवेलेबल था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आफ्टर द कैलकुलेशन ही आपके पास 40 आएगा। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। सेकंड नंबर 2022 के पहले पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और ये डाटा आपके पास अवेलेबल है। इस डाटा को आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। मान लो ये कोई भी स्टूडेंट आप में से क्वेश्चन को इसको ट्राई करना चाहता है तो भी वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है द नंबर ऑफ द पर्सन बिलो द एज ऑफ द 40 ईयर्स इज 10.5, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, पूरी सिटी की पॉपुलेशन कितनी है। बिलो द 40 ईयर के अंदर देखो ये तो 40 से ज्यादा है तो इनको हम यहाँ पे कंसिडर ही नहीं करेंगे, ये तो 40 से ज्यादा है और ये 40 से कम वाले आपके पास अवेलेबल हैं। और ये डाटा किसका है, परसेंटेज का। तो आपको याद आ गया होगा कि परसेंटेज से कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्ट हम यहाँ पे। जैसे इसके अंदर देखो 25 है, इसको आप प्रोवाइड करवाओगे 30 हो, ये हो गया। और मेरे पास ये वाला 26 था और ये वाला 24, 24 और 26 कितने हो जाएंगे 40, 40 और 30 कितने होंगे 70। तो आप इसको काउंट करेंगे ये आपके पास आएगा 70%। तो 70% की वैल्यू आपके पास 10.5 गिवन है। टोटल पॉपुलेशन क्या होगी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द क्लास इज 100%, जो भी टोटल होगा वो तो 100% है। या तो आप इसको काउंट करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 10.5 डिवाइड बाय 70%, ये यूनिटरी मेथड है जो आपको सिखाया गया था बेसिक में, मल्टीप्लाई बाय द यहाँ पे 100%। परसेंट से परसेंट कटेगा, ये वाला जीरो यहाँ पे कटेगा, इसका जीरो कट के यहाँ पे आएगा, ये वाला 7 इससे कटेगा 1 और 5, इसका मतलब 1,500,000 आंसर आएगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। द नंबर ऑफ द पर्सन बिलो द 40 ईयर इज 10.5, इफ द रेशियो ऑफ द टैक्स पेयर टू द अदर पर्सन इज इन द सेम एज बिलो द 30 ईयर इज 1.2, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द टैक्स पेयर इन दैट ग्रुप। तो टैक्स पेयर वाले कितने, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले तो देखो बिलो द 40 लिखा है तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। बिलो द 40 मैंने अभी काउंट किया था 70%, तो आपको पता है कि ये 70% का जो डाटा है ये आपके पास कितना है, ये आपके पास 10.5 अवेलेबल है। आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और लिखा हुआ है कि बिलो द 30, बिलो द 30 तो पहला ही सिस्टम है, मतलब 14%। तो 14% वाले कितने होंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे यहाँ पे, 10.5 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 14% से परसेंट कटेगा, ये वाला हटेगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा जीरो, ठीक है। ये वाला 7 इससे कट जाएगा 2 टाइम, आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 210 आएगा और डिवाइड बाय 00 है तो ये हो जाएगा 2.10, क्लियर। और ये डाटा आपके पास यहाँ पे बिलो द 30 ईयर है, इसमें आपके पास टैक्स पेयर भी है और यहाँ पे अदर पेयर भी है। और टैक्स पेयर वाले अगर एक होंगे तो अदर पेयर यहाँ पे 2 होंगे, टोटल कितना हो जाएगा 3। और इस 3 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2.1 गिवन है। अब आपको यूनिटरी मेथड आता है और टैक्स पेयर पूछा है, या तो आप ऐसे कर लें यहाँ पे कि टैक्स पेयर पूछा है टोटल कितना है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 2.10, क्लियर, दैट इज इक्वल टू 0.7। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। या फिर आप यूनिटरी मेथड लगा के कंपेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। ये आपके पास 2022 के अंदर ही पूछा गया डाटा है और ये लाख रुपए के अंदर ये डाटा अवेलेबल है। इन हाउ मेनी टाइम द इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर इज ईयर एक्सीड बाय मोर देन द 15% एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल से 15% से ज्यादा कितनी बार यहाँ पे क्रॉस हुआ है। इसको करने के लिए आपको एक डाटा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि यहां से लेकर आप सिर्फ एक बार इंक्रीमेंट को ध्यान से आप अंडरस्टैंड करना, यहां से लेकर यहां तक कितना इंक्रीमेंट हुआ। कई बार तो देखो स्टूडेंट जो है यहां पर 15.4 लिखते हैं और यहां पे 13.8 लिखकर ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आप ऐसे नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप सीधा इसको वर्बली भी तो कर सकते हो।
वर्बली कैसे, इसके अंदर 0.2 ज्यादा देंगे तो 14 हो जाएगा, 14 से यहाँ आते हुए आपको 1.4 देना पड़ेगा, तो आपका डिफरेंस 1.6 होगा। या तो आप कैलकुलेशन ऐसे करो या वर्बली करोगे, थोड़ा आपका टाइम यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आते हुए 1.6 का इंक्रीमेंट हुआ है, 1.6 आपके पास 13.8 का कितना परसेंट है, 1.6 इंक्रीज हुआ है किससे, 13.8 से, तो 13.8 का कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंटेज आएगा, और इस कैलकुलेशन में हम फंसते रह जाएंगे फिर। तो इस परसेंटेज से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे बच्चे इस बात को दोबारा से समझे कि या तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 1.6 इंक्रीमेंट है किसका, इसका। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बोल दूं कि ये मेरे पास 13.8 है, तो इसका 10% क्या होगा, आपको याद रखना पड़ेगा, जीरो से जीरो कट के ये पॉइंट यहाँ पे आएगा और इसका 10 पॉइंट होगा हमारे पास इतना। मैं अगर आपको सीधा बोलूँ ना यहाँ पे इसका 10% कितना है, तो आप यहाँ पे बोलोगे 1.38 रहा होगा, बात समझ आ रही है। ये इसका यहाँ पे 10% डाटा आ गया, तो इसका 5% कितना होगा, इसका हाफ कर देंगे, हाफ करेंगे तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, देखो पॉइंट कटेगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 67%। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे 5 और 1 कैरी जाएगा 0, और यहाँ पे आपके पास 1 कैरी जाएगा, ये आएगा 2.05, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इसका 15% 2 पॉइंट समथिंग होगा, इसका 15% 2 पॉइंट समथिंग होगा, इसका 15% 1.6 नहीं होगा, तो ये इंक्रीमेंट आपका 15% से नीचे रह गया। हमें क्या फाइंड करना था, एक्सीडेड, मतलब ये वाला काउंट हम नहीं करने वाले। हो सकता है काफी बच्चों को लगे सर ये कैलकुलेशन तो बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा, अगर आपने डीआई को करना है तो इसको सीख लो, समझ लो, आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ से यहाँ पर आओगे, तो यहाँ पर देखो ये तो इंक्रीज था, ये तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो इसको काउंट ही नहीं करेंगे हम, वैसे इसके आगे वाले को देखेंगे, ये बिल्कुल आपका इंक्रीज हो रहा है। ये आपके पास देखो यहाँ से यहाँ 3 नंबर बढ़ रहे हैं, और 0.3 कम करेंगे तो ये आपके पास 2.7 बढ़ जाएगा। तो ये किसका इंक्रीमेंट है, 10.4 का, मैं रिपीट कर रहा हूँ समझाने के लिए, इसका 10% क्या होगा, 1.04, इसका हाफ करेंगे तो मेरे पास 0.52 0.5 एंड 2, ये मेरे पास 5%, तो ये 10%, ये इसका हाफ करेंगे 5%, तो टोटल 15% कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे 6, 5 और 1.56, तो आपको देखना होगा कि ये इंक्रीमेंट आपका इससे ज्यादा है, तो मतलब ये वाला आपके पास जो इंक्रीमेंट लेकर आया है 2013 का, ये 15% से ज्यादा लेकर आया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ पर आएंगे, तो फिर से इसमें आप कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमारे पास यहाँ से यहाँ आते हुए आपको कितना इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट यहाँ पे चेक करेंगे, ये भी आपका 2.7 ही हो रहा है, बट किसका, 13.1 का, तो आपको देखना होगा कि 13.1 का 10% कितना होगा, 1.31, इसका 5% कितना होगा, हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.65 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो इसको आप ऐड करेंगे 6 और ये 9 और ये 1.96, तो ये भी आपके पास 15% से ज्यादा है, तो ये भी आपका काउंट होगा, क्लियर। तो अभी तक आपके 2013 और 14 काउंट हो गए। आपने देखा होगा जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था, तो आपको लगा होगा कि अगर आपको ये वाले ट्रिक जो है आते भी होंगे, तब भी ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 मिनट ले जाएगा, बात समझ आ रही है। तो आपको ये कुछ क्वेश्चनों की जैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको पता चल गया होगा यार एक्सीड फाइंड करना है, यार हर एक का करना पड़ेगा, तो ये क्या करेगा, आपका टाइम कंज्यूम करने वाला क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, डेफिनेटली इनके आप पढ़ सकते हैं, और अगर लास्ट में टाइम बचा पेपर में, तो आप इस क्वेश्चन के ऊपर वापस आएंगे, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन छोड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये 3 मिनट के अंदर आप एक क्वेश्चन करोगे, 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करोगे, नंबर तो सेम मिलने, तो ये आपको स्मार्ट वर्क जो है ये माइंड में रखना पड़ेगा। अभी तक ये 13 और 14 आपके यहाँ पे आए थे, उसके बाद ये वाला आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास यहाँ पे हमने यहाँ से लेकर यहाँ पर और यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब हमारे पास ये वाला देखना है कि इंक्रीमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, ठीक है। पहले इसको आप 0.4 दे दोगे तो 16.2 होगा, और एक नंबर और देंगे तो ये मेरे पास आएगा 1.4, क्लियर। इंक्रीमेंट आपको सीधा निकालना पड़ेगा ऐसे डायरेक्ट, तो 1.4 हमारे पास 15.8 का कितना परसेंट है, इसका 10% आ जाएगा 1.58, यही 10% ही इससे ज्यादा हो गया, ये 10% ही ज्यादा हो गया, तो 15% से ज्यादा नहीं होगा, तो ये यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। फिर आपको देखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना इंक्रीमेंट है, तो इसमें आप 0.2 देंगे, फिर आप 2 नंबर ऐड करेंगे तो ये 2.2 हो जाएगा, ये आपको 2.2 देखना है 17.2 का, इसका 10% 1.72 हो जाएगा, इसको साइड में लिख लेते हैं 1.72, और इसका हाफ कर देंगे तो ये आएगा 0.86, तो ऐड करेंगे ये 8 और 5 और 1 कैरी आएगा 2.58, ये भी आपके पास यहाँ पर इससे क्या है, छोटा है, बड़ा नहीं है, तो ये भी यहाँ पे काउंट नहीं होगा, इसके आगे वाला तो है ही नहीं, तो 2 ही नंबर बचे, यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए,
क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। अब फिर से क्या करना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी होगी, अगर आपने ध्यान दिया होगा अभी रिसेंटली क्वेश्चन में, तो आपके पास 2013 में और 2014 में ही इंक्रीमेंट हुआ था 15% से ज्यादा, बाकी तो सारे 15% से कम ही थे। तो हम बाकी सभी को थोड़ा सॉल्व करेंगे, सिर्फ इन दोनों की चेक करना है हमने। तो यहाँ से आपको स्मार्ट वर्क करना था और मैं अभी के लिए 2014 का सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आप 2013 का खुद चेक करेंगे। यहाँ से यहाँ तक इंक्रीमेंट करने के लिए अगर आपको बोल दिया जाए, तो यहाँ पर से यहाँ तक इंक्रीमेंट करने के लिए पहले 2 नंबर बढ़ेंगे, फिर 0.7। तो ये 2.7 का इंक्रीमेंट हुआ किसके ऊपर, 13.1 का, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा परसेंटेज में। या तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो या फिर अप्रोक्सीमेट में देख लो कि यार ये 3 के आसपास है और ये 12 के आसपास है, तो 3 और 12 समझेंगे तो ये कट के कितना आएगा, 1/4। 1/4 का 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 25% लगभग के आसपास आएगा। तो मैं आपको ये या तो पूरा कैलकुलेट करो या फिर आप अप्रोक्सीमेट में मान के करो कि ये लगभग लगभग आपके पास अप्रोक्सीमेट में 25% का इंक्रीमेंट आया। अगर आपको बोल दिया जाए कि 13 से 14 में बताओ इंक्रीमेंट कितना होगा, तो यहाँ से अगर मैं लेकर आना चाहता हूँ 13.1 के अंदर, तो यहाँ से लेकर आपके पास इंक्रीमेंट कितने का होगा, ये भी आपके पास 2.7 का है, फिर भी आप एक बार चेक कर लो। और डिवाइड बाय किससे करेंगे, 10.5, 10.4 था यहाँ पे, मैं यहाँ पे 4 लिखना है 4 लिख लो, 5 लिखना है 5, क्योंकि अप्रोक्सीमेट में कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अब अगर मैं इसको 3 और इसको यहाँ पर इस वाले पार्ट को अगर मैं मानूंगा 11 या 10, तो भी 1/4 नहीं होगा और 25% से कम ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका 25% से कम है, तो मतलब 2014 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। अब ये आपके पास कुछ ऐसा डायग्राम होता है, कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट को कि ये डायग्राम देखते ही काफी बच्चों को डिफिकल्टी लगती है। डिफिकल्टी आपने बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं रखनी है, काफी इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बता ही दिया। जो लेंथी क्वेश्चन होगा उसको छोड़ सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा और सारे के सारा डाटा सॉल्व करना पड़ गया, उसमें आपको दिक्कत आएगी। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमारे पास कोई बजट है, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन है और ए बी सी डी ई हमारे पास यहाँ पे 5 मेंबर है, ऊपर से पाई डायग्राम है, बट पाई डायग्राम यहाँ पे गिवन ही है। अगर गिवन नहीं है, ये बनाना है तो बना लो, नहीं भी बनाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल बजट आपके पास गिवन है, उसने लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये बताओ हाउ मच लेस अमाउंट इज अलोकेटेड टू ए एंड सी टुगेदर एज कम्पेयर टू बी डी ई। तो ए और सी को है कितनी वैल्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं चेक करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 49% है ए और सी के पास, ए और सी के पास 49 है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर हमें ना यहाँ पर बी और डी और ई को भी सॉल्व करना पड़ेगा, 18, 25, 8, कुछ बच्चे इनको ऐड करने चले गए। आप मुझे ये बताओ ए सी यहाँ पर है, बी डी ई यहाँ पर है, टोटल 100% नहीं होगा ये, अगर 100% होगा तो 49 तो गिवन ही है, तो डेफिनेटली ये 51% होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको कितना परसेंट कम मिला है, 2% कम मिला है। तो 2% किसका कम मिला है, जो टोटल बजट था उसका कम मिला है। तो इसका सिर्फ आपने यहाँ से 2% निकालना था और इसमें आपको कुछ भी करने वाला लाइक बिल्कुल भी नहीं था। क्लियर हो गया सबको। अब जब आप इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 600 और 0.8 डिवाइड बाय 100, और जब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। सिमिलरली डाटा है, उसने ये पूछा है हाउ मच अमाउंट विल बी इंक्रीज ऑन ए इफ द टोटल बजट इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। तो भाई अगर 3 टाइम्स आपके पास बजट इंक्रीज हो गया तो ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 3% इंक्रीज होगी या नहीं होगी। काफी बच्चों को लगेगा सर ऐसे कैसे इंक्रीज हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो बजट मेरे पास इतना था, अगर ये 3 टाइम इंक्रीज हो चुका है, अगर ये 3 टाइम इंक्रीज हो चुका है तो बजट आपके पास क्या हो चुका होगा, इतना हो गया होगा। और इसका ए कितना होगा, 40% है, तो इसका ए 40% निकाल दो। मैं वही तो समझा रहा था कि बजट अगर 3 गुना हो चुका है तो ए भी तो 3 गुना हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 0 से 0 आपके पास कैंसिल आउट होती नजर आएगी, फिर आपके पास ये रहेगा 4 और 3, 4 और 3 12, 12 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हटाना है, यहाँ पर हटा के आप डिवाइड बाय 10 लगा सकते हैं। मैं लिख देता हूँ 12 मल्टीप्लाई बाय 3004 डिवाइड बाय 100। अब स्मार्ट वर्क ये कहेगा कि आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर भी लेंगे तो ये मेरे पास आएगा यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, ये 30.04। तो ये 30 × 12 करेंगे कितना हो जाएगा, 360 के आसपास आएगा या नहीं आएगा। तो 360 वाला ए ऑप्शन दिख रहा है, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट हु फेल्ड इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। अभी अगर आपने डायग्राम को अच्छे से समझा होगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके का डायग्राम बना हुआ था। यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ, ये हमारे पास था यहाँ पे इंग्लिश, ये हमारे पास था हिंदी और ये था मैथ। इंग्लिश के अंदर थे टोटल यहाँ पे 30,
और हिंदी में थे हमारे पास 75, मैथ में थे 50, और ये डाटा आया था 10, और यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, और ये 5। तो पूछा क्या गया था, एटलीस्ट टू सब्जेक्ट फेल है, उनकी परसेंटेज बताओ। तो टू सब्जेक्ट अगर एटलीस्ट पूछा रहे तो उसमें दो सब्जेक्ट कम से कम फेल होने वाले, एक तो 10 नंबर यहाँ पे आएंगे, फिर एक मेरे पास 12 नंबर, एक और 12 नंबर आएंगे यहाँ पे जो छोटे छोटे थे, और एक आएगा मिडल जो हमारे पास तीनों का कंबाइन है। देखो पूछा एटलीस्ट 3 है, एटलीस्ट 3 का मतलब होता है कम से कम 2 में फेल है, ज्यादा से ज्यादा 3 4 5 में भी फेल हो सकते हैं। तो जो 2 से कम से कम फेल है और 3 नंबर वाला भी फेल हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो टोटल ऐड करेंगे कितना आएगा, 39% फेल है। आउट ऑफ ए 500 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तभी परसेंटेज आएगा, तो ये आएगा 7.8%। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही उत्तर होगा। और एक चीज और ध्यान रखें आप यहाँ पे सारे स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो, आपको ये पता है कि टोटल नंबर इतने हैं उसमें से इतना स्कोर आया, जैसे आप 10th में अपने मार्क्स निकालते थे वैसे टोटल स्कोर इतने आपके, इतने स्कोर आए, मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे तभी परसेंटेज आता था। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज कैंडिडेट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, वो कैंडिडेट कौन कौन है? तो वह तो आपके पास अवेलेबल ही था यहाँ पे, वो कौन कौन से डाटा अवेलेबल था, 30 ये रहा, ठीक है, 75 आपके पास ये रहा, उसके बाद 50 आपके पास ये रहा, तो ऐड कर देंगे 5, 7 5 12 और 3 15, तो ये हमारे पास यहाँ पर इतना डाटा फेल हुआ है जो सिर्फ एक में फेल हुआ है, वो तो लिखा हुआ है यहाँ पे ओनली में। तो 155% ऐसे हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं आउट ऑफ ए टोटल, टोटल कितना है यहाँ पे 500, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे टू कैलकुलेट द परसेंटेज, दैट इज इक्वल टू 31%। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु फेल्ड इन एटलीस्ट ऑन सब्जेक्ट, सभी ऑन नहीं आएगा यहाँ पे, ऑल आएगा, ऑल सब्जेक्ट के अंदर कितने फेल हुए, तो जितने फेल हुए सभी को ऐड कर देंगे हम। वो डाटा वैसे मैं यहाँ पे जल्दी से बना देता हूँ एक बार सर्कल वाला, ठीक है। तो ये आपके पास था यहाँ पे इंग्लिश, और ये था मेरे पास हिंदी, और ये था मैथ, इसका डाटा अवेलेबल था यहाँ पे कितना 30, और हिंदी वाला था 75, और ये था 50, बीच में आएगा 5, और ये था मेरे पास 12, और ये 12, और ये 10, ये डाटा हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने, 30 ये रहे, 30 75 10 5 12 12 50 सबको ऐड करेंगे, ये आएगा 195 आउट ऑफ ए टोटल 500। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज आएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, 5 आप इससे कट करेंगे, ये आएगा मेरे पास 3 टाइम, और 44 आएगा ये 8.8। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। हाउ मेनी कैंडिडेट पास इन टू और मोर सब्जेक्ट, तो दो से ज्यादा सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट बताने हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि दो से ज्यादा अगर पास हो चुके हैं यहाँ पे, दो या दो सब्जेक्ट से ज्यादा, तो ये हुआ जो दो से ज्यादा वाले फेल थे उनको बाहर कर दो, और फेल वाले कैंडिडेट हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, जिनको एटलीस्ट वाले क्वेश्चन में बताया था वो आया था 39, और टोटल कितने मेरे पास 500। 500 में से अगर मैं दो ऐसे यहाँ पे उन स्टूडेंट को बाहर करूंगा जो कम से कम दो सब्जेक्ट में फेल थे या दो से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल थे, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली वो स्टूडेंट आएंगे जो मेरे पास दो से ज्यादा में पास हो चुके हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका, 461, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन CDS 2021 के सेकंड पेपर में आया हुआ है। दो यहाँ पे आपके पास पाई डायग्राम गिवन है, और आपको एक और चीज बता दूं, जब भी पाई डायग्राम होगा, जैसे कई बार यहाँ पे आपको मिसिंग लग रहा है पेपर में, आपको पूरा बराबर दिखेगा कि ये डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको सिमिलर लग रहे होंगे। तो ये मेरे पास ए मान लेते हैं, और ये मेरे पास बी है, और ये सी है, ये डी और ई, यहाँ पे एफ, तो ये ऐसे सर्कुलर पार्ट में चलता है, ठीक है, ये आपका बेसिक थोड़ा सा पता होना जरूरी है। उसने ये गिवन आपको किया हुआ है कि जो 2019 है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 4000, इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 5000, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिनकी टोटल स्ट्रेंथ जो है वो सेम रहती है 2019 और 20 में, और डाटा आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले आप बी और सी को चेक करेंगे, तो यहाँ पर बी और सी कितना आ जाएगा मेरे पास 16%, तो इसका आप यहाँ से 16% निकाल सकते हैं। यहाँ से आप चेक करेंगे बी और सी कितना आएगा यहाँ पर टोटल 21%, तो इसका 21%, ये देखो दोनों बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे, आप चेक करेंगे तो ये बराबर नहीं होंगे, तो मतलब पहला ऑप्शन आंसर नहीं है, क्लियर। ऐसे ही आप सारे ऑप्शन चेक कर सकते हैं, जैसे मैं अभी सिर्फ डी ऑप्शन के लिए बारे में जा रहा हूँ, सी और डी, तो मेरे पास ए बी और इसका सी और डी कितना आएगा 25%, तो यहाँ पे 4000 का अगर मैं आपसे पूछूं 25% कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 1000, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो सी और डी एक बी और सी और डी कितना आएगा इन दोनों को ऐड करके 20%, 11 और 9 कितना हो जाएगा 20%, तो 5000 का अगर मैं पूछूं आपको 20% ये कितना आएगा,
ये भी आपके पास 1000 आएगा, तो ये दोनों बराबर हो रहे हैं, मतलब डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका उसी पार्ट के ऊपर गिवन है, इसके ऊपर 4 क्वेश्चन अवेलेबल हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द एम्प्लॉय द परसेंट चेंज इन द नंबर ऑफ द एम्प्लॉय इन 2020 वाज मैक्सिमम एज कम्पेयर टू 2019। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीजें वैसे याद होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे आपको बार बार डाटा नहीं पढ़ना कि 2019 में 4000 था, अब याद ही हो गया होगा पहले क्वेश्चन में कि ये 4000 है और ये आपके पास 5000 है, ठीक है। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 20%। तो या तो आप ऐसे कर लो, 4000 का 20% कितना हो जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 800 आएगा। ऐसे ही आप यहाँ से निकालेंगे कि 5000 का 22% कितना होगा, क्योंकि ए मेरे पास यहाँ पे 22 है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1100, तो यहाँ पर आपके पास 1100 आएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी इंक्रीज हो चुकी है, 300। किससे कंपेयर हुआ है यहाँ पर, 2019 से मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंट आएगा 37.5%, ठीक है। ये चीज हमने 37.5 क्यों लिखी है, इसके लिए आपको फिरदौसी बैच में सीखना पड़ेगा। बाकी ये 2019 से कंपेयर हुआ है तो मैं 2019 को ही डिनोमिनेटर में रखने वाला हूँ, ठीक है। तो ए का इंक्रीमेंट आया 37.5%। जैसे ही मैंने यहाँ पर ए का 37.5% फाइंड किया है, ऐसे आप बी सी डी का फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप चेक करेंगे इसका 6%, सीधा चेक करेंगे 4000 का 1% कितना हो जाएगा, 40, 6% हो जाएगा 240, इसका आएगा 10%। 5000 का 10% कितना आएगा मेरे पास, 500। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, लगभग लगभग ये 50% के आसपास है। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेट 50%, बाकी आया कैसे वो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे सी का, तो इसका यहाँ पे 4000 का सी कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पर सी आएगा 400, और इसका आप सी चेक करेंगे 11%। तो इसका 5000 का 11% कितना आ जाएगा, 5500। तो ये 50% से छोटा ही है, इसको मैं चेक ही नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि 50% सबसे ज्यादा लग रहा है। फिर आएगा डी, तो इसका 4000 का 15% कितना हो जाएगा, 600, ये आपको सॉल्व कर लेना चाहिए अभी, ठीक है। और इसका डी कितना है, 9%, तो इसका 9% कितना आएगा, 5000 का 450 से तो डिक्रीज हो रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। मैक्सिमम आपका बी आ रहा है 50% से ज्यादा, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। व्हाट वाज द परसेंट इंक्रीज ऑफ कैटेगरी ई एम्प्लॉय इन 2020 एज कंपेयर टू दैट इन 2019। ये तो अभी क्वेश्चन डिस्कस किया, वही फॉर्मेट है, उसमें चारों को सॉल्व करना था, इसमें सिर्फ ई को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ई का अगर चेक करेंगे, यहाँ पर आप चेक करेंगे आएगा 27%, तो मतलब 4000 का 27% कितना होगा। वैसे आप इसको अप्रोक्सीमेट में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे 5-5 नंबर का इंक्रीमेंट है, तो आप इसको सिंप्लीफाई पूरा ही कर लो। यहाँ पे 7, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, तो कैरी जाएगा, तो ये आएगा 1080, ठीक है। इसका 27%, तो यहाँ पे 5000 का 27% सिंप्लीफाई करेंगे, 00 से 00 कट जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आएगा 0, 7-5 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 35, 3 कैरी जाएगा, तो ये आएगा 1350। वैसे इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, बट पेपर में इतना याद नहीं ना हो पाएगा कि कौन सा डायरेक्ट होगा, तो हमें बेसिक एक ही याद रखना है कि सीधे सीधे आंसर आते रहे, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक का इंक्रीमेंट चेक करना है, तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे, ये आएगा 0, 15 में से 8 जाएंगे 7, और ये आएगा 2, तो 270 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है। किसके ऊपर, 2019 को देखो बेस माना गया, तो 2019 की वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंट आएगा, दैट इज इक्वल टू 25%। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। देयर आर टू कैटेगरी ऑफ द एम्प्लॉयज हुज स्ट्रेंथ इंक्रीज्ड बाय सेम परसेंटेज इन 2020, व्हाट आर दोस टू कैटेगरी। तो 2020 में सेम आपके पास परसेंटेज रहा, तो ऐसी कौन सी कैटेगरी यहाँ पे है, तो एक बार वीडियो पॉज करके आप सारे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी। जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे, हमें पता ही हमारे पास टोटल 4000 था और ये हमारे पास टोटल कितना था, 5000। तो अगर मैं आपसे डी पूछूं, तो आपको पता है ए बी सी और डी, तो इसका डी हमारे पास 15% है, तो यहाँ से आप इसको 4000 का अगर मैं आपसे पूछूं इसका डी का वैल्यू कितना होगा, तो आप इसका 15% वैल्यू निकालेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफाई, दैट इज इक्वल टू 600। और यहाँ से अगर मैं डी सॉल्व करूंगा, तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 5000 का 9% इसका डी होगा, तो ये आएगा 450। तो कितना डिक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर, 150 का, किसके ऊपर, 2019 के मुकाबले पे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास पता चलेगा 25% का डिक्रीज हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि डी आपके पास 25% चेंज लेकर आया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ई की डाटा चेक करूंगा, तो इसका आप ई चेक करेंगे, इसका 27%, 4000 का 27% आएगा, 1080, हमने सॉल्व भी किया था अभी पिछले क्वेश्चन में। तो 2020 के अंदर हमारे पास 27% आएगा 5000 का, ये आया था मेरे पास यहाँ पे
1350, क्लियर। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ई का इंक्रीमेंट कितना हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीमेंट हुआ है ई का 270, किसके ऊपर, 2019 के डाटा के ऊपर। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ई का भी डाटा चेंज आएगा 25% इंक्रीज का, तो ये दोनों के दोनों सेम रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, बाकी आप चेक कर ले, सारे के सारे रॉन्ग आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके पास 2019 के सेकंड पेपर में आ चुका है, इसको बार ग्राफ बोलते हैं। बार ग्राफ काफी इजी क्वेश्चन होता है, बस आपको थोड़े से ध्यान से आपको फोकस करना पड़ेगा। एक तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे खाली डाटा है एक्स गिवन है, ये ऐसे टेढ़ी लाइन है वो वाई गिवन है, और जो सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो जेड गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। द परसेंट इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कार फ्रॉम 2014 टू 2018, तो 2014 से लेकर 2018 तक का कार का प्रोडक्शन में चेंज कितना आया है, ठीक है, सभी एक्स वाई जेड के अंदर टोटल प्रोडक्शन। तो आप चेक करेंगे ये कितना है मेरे पास, एक्स 300, ये कितना हो जाएगा 200, 300, 200, 500, 500 और 500 1000। 2004 में 14 में कितना था 1000, 2018 में कितना है चेक कर लेते हैं। यहाँ से आप चेक करेंगे ये आएगा मेरे पास 700, और ये मेरे पास यहाँ से ऐसे आ जाएगा 500, 700 और 500 1200, 1200 और 800 कितना हो जाएगा 2000, तो ये मेरे पास आएगा यहाँ पे 2000। तो सीधा पता चल रहा है कि इसका डबल हो चुका है, तो 100% का इंक्रीमेंट होगा। फिर भी आप चेक कर ले कि 1000 से 2000 आने का मतलब है 1000 नंबर इंक्रीज हुआ, किसके ऊपर, 2014 के ऊपर। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आएगा 100%। मैंने बोला भी था आपको जो आपके पास यहाँ पे कंपेयर्ड वैल्यू होगी उससे आपको कंपेयर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। कंसिडर द प्रोडक्शन ऑफ ईच कंपनी सेपरेटली, इन हाउ मेनी इंस्टेंट वॉज द परसेंट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द कार्स ओवर द प्रीवियस ईयर प्रोडक्शन ग्रेटर देन 20%। यहाँ पे देखो ईच का पूछा गया डाटा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, हर एक कहानी के बारे में सोचना पड़ेगा। आप खुद ही सोचो, पहले मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स का सॉल्व करता जाऊंगा, फिर यहाँ से लेकर वाई का सॉल्व करूंगा, फिर यहाँ से जेड का, कितने क्वेश्चन हो गए कि क्वेश्चन में, तो इसमें कम से कम 3-4 मिनट लगेंगे। तो पेपर में इस क्वेश्चन को आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, पेपर में अगर लास्ट में टाइम बचेगा इस क्वेश्चन पे आप दोबारा आएंगे, नहीं तो आप छोड़ के आगे निकल सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए 20%, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास डाटा था 300 से लेकर ये 400 में चला गया, ठीक है, उसने ग्रेटर देन बोला है। अब 300 का 10% कितना होगा 30, और 20% उसका डबल हो जाएगा यहाँ पे 60। जैसे मैं बता देता हूँ 300 का 20% कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 60, और 60 के बदले में ये 400 हो गया, तो 100 नंबर हो गया। तो डेफिनेटली 20% से ज्यादा का इंक्रीमेंट हो चुका है, तो एक्स का ये वाला 2014 का हम यहाँ पे काउंट करेंगे, क्लियर। ऐसे ही हम यहाँ पे अभी इसको साइड में लिख लेते हैं, एक बार काउंट हो चुका है। दूसरा आप देखेंगे एक्स को यहाँ से ये 400 है और ये 500 हो गया, 400 से 500 हो चुका है, इसका 10% 40 और 20% 80 नहीं, ये 100 नंबर बढ़ गया, तो ये 20 से ज्यादा बढ़ चुका है, तो ये भी आपका काउंट यहाँ पे होगा। तीसरे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप चेक करेंगे 600, यहाँ पे आप चेक करेंगे 500 के बदले में 600 हो गया, इसका 500 का 10% 50, 20% 100, तो 100 आपका बढ़ा है, ये टोटल 20% ही बढ़ा है, 20 से ग्रेटर नहीं है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी तक हमारे पास दो काउंट हुए थे, फिर ये मेरे पास 600 से 700 हो चुका है, ये भी आपका नहीं होगा, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर आती कहानी यहाँ पे हमारे पास वाई की, वाई यहाँ पे 200 से 300 हो चुका है, ये भी काउंट करेंगे। फिर हमारे पास 300 से 400 हो चुका है, ये भी काउंट करेंगे। अब ये 400 से आपके पास 500 हो चुका है, तो ये भी आपका काउंट होगा, तीन बार काउंट होगा। फिर 500 से आगे 500 रह गया, ये काउंट नहीं होगा, तो तीन इसके काउंट हो जाएंगे वाई के, ठीक है, दो और तीन पांच हो गए हमारे पास, 5 डाटा हो गया। अब जेड की बारी है, जेड यहाँ पे सेम है, यहाँ पे 500 से यहाँ पे 600 चला गया, अभी 20% इंक्रीज हुआ है, मोर देन 20 चाहिए, तो ये डाटा आगे काउंट नहीं होगा। फिर आप 600 से 700, 700 से 800, ये आपका 20 से कम होता रहेगा, तो पांच बार इंक्रीमेंट आएगा, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। इन विच ईयर द परसेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कार एस मिनिमम एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले 15, 16, 17, 18 है, तो सिर्फ इनके ही सॉल्व करेंगे, 2014 का सॉल्व हम नहीं करेंगे। 2015 के अंदर आप सारे बच्चे इनको ऐड करोगे, यहाँ पे आप चेक कर लो, ये 400 है, ये मेरे पास 300 है, तो 700, 7 और 5 मेरे पास 1200, तो ये मेरे पास आएगा 1200। ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे, ये मेरे पास आएगा यहाँ पे 1400, और ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 1800, और ये आएगा यहाँ पे 2000, क्लियर। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्रॉस चेक, ये 7 और 5 मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यहाँ पे 1400 नहीं आएगा, सॉरी ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 1500, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 2015 से 16 में जाऊंगा, तो 2015 से 16 में इंक्रीमेंट 300 का हुआ है, डिवाइड बाय किससे करेंगे हम यहाँ पे 1200 से,
मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंट ऑफ इंक्रीमेंट आएगा विच इज इक्वल टू 25%। तो यहाँ से 14, 15 से 16 में जाएंगे तो 16 के मुकाबले में 15 से जो इंक्रीमेंट आया है वो है 25%। ऐसी अगर 1800 और 1500 को कंपेयर करेंगे तो ये 2017 में आएगा यहाँ पे 20%। ऐसी अगर 2000 से अगर 1800 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंक्रीमेंट 200 का मिला किसके ऊपर, 1800 के ऊपर। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ पर इंक्रीमेंट आएगा 11.19%, विच इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द अनदर। तो 11.19% इज द राइट आंसर फॉर 2018। अब इसमें गड़बड़ क्या थी यहाँ पर, यही थी कि 2017 आंसर मार्क करेंगे काफी बच्चे, उसने ये लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन मिनिमम कितनी आई है यहाँ पर प्रीवियस ईयर के मुकाबले। तो 2018 के मुकाबले इसकी प्रीवियस ईयर की जो भी इंक्रीमेंट आया था वो सबसे कम इसी में आया है, तो ये इसका सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। इफ वन ऑफ द ईयर्स परसेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ द कार वाज द मिनिमम एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर देन व्हाट वाज द मिनिमम परसेंटेज। तो ये 2017 का अभी मैंने काउंट करवाया था ना, मैंने बताया भी था 11 पॉइंट समथिंग है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेटेड। फिर भी चेक कर लेते हैं, ये 1800 था, ये 2000 है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ था यहाँ पर आपको पता है 200 का, किसके ऊपर, पीछे वाले नंबर के ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 100 करेंगे आपका आंसर आएगा 11.19%। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। 2021 का पहले पेपर के क्वेश्चन आ चुके हैं अभी हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द प्रोडक्शन ऑफ द कार हैज बीन इंक्रीज बाय मोर देन 5 और इक्वल टू 5% ओवर 2016 ओवर 2015। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछ लूँ ए का कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ए का इंक्रीमेंट हुआ है 3 नंबर का, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 नंबर का, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 नंबर का, और यहाँ से यहाँ तक 4 नंबर का, और इसके आगे हमारे पास यहाँ पे 2.9 का। बट ये आपको चेक भी तो करना पड़ेगा कितना परसेंट है। या तो मैं ए की अगर डेफिनेशन पूछूँ, ए का इंक्रीमेंट 3 का हुआ है किसके ऊपर, 35 के ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपको यहाँ पे परसेंट मिल जाएगा ए का। या तो आप सिंप्लीफाई कर लो, या फिर आप सीधा देखो ए के पास कितना नंबर था हमारे पास यहाँ पे 35। अब स्मार्ट वर्क सीखना पड़ेगा, ए के पास 35 नंबर है तो इसका 10% कितना होगा, इसका 10% 3.5 होगा। जैसे मैं लिख देता हूँ एक नंबर को, 35 का 10% क्या होगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे 3.5, सिर्फ एक आपका पॉइंट लग जाएगा बीच में, ये इसका 10% है। इसका हाफ कर दोगे 1.75, तो क्या उसका ये 5% होगा या नहीं होगा बताओ। 10% का हाफ करेंगे 5%, तो यहाँ पर आपको नंबर कितना इंक्रीमेंट दिख रहा है, यहाँ पे 3 नंबर दिख रहा है, यहाँ पर ये 1.75 इसका 5% है, तो 3 नंबर क्या होगा इससे 5% से ज्यादा होगा, तो हमें इसको काउंट यहाँ पे करना है। तो ए वाला आपका 5% ज्यादा लेकर आएगा, तो यहाँ पर ए नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेटेड। क्लियर। फिर आप चेक करेंगे यहाँ पे बी नंबर होगा, देखो सभी ऑप्शन में चेक करो, बी तो है ही नहीं तो उसको हम चेक ही क्यों करें, चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आएंगे सीधा सी के ऊपर, सी के लिए आपके पास है 88 नंबर डाटा है, तो 88 का आपके पास 10% क्या होगा, 8.8 होगा, यानी अगर 8.8 होगा, यहाँ पे 93 है, तो यहाँ से यहाँ तक आते आते आप चेक करेंगे कि 5 नंबर बढ़ा था, 88 तो इसका 10% है, तो 5% क्या हो जाएगा 4.4, क्योंकि इसका हाफ हो जाएगा, और हमें क्या चाहिए 5 नंबर, 5 नंबर का इंक्रीमेंट क्या होगा इसका। आप सारे बच्चे सोच के देखें कि ये नंबर जो है वो आपके इस 5% से ज्यादा है, 5% से ज्यादा है, तो हम इसको भी काउंट करेंगे। सी वाला काउंट किया जाएगा, तो मतलब ये डी ऑप्शन जो है ये भी एलिमिनेटेड हो गया, यहाँ पे सी नहीं है। फिर आपको चेक करना है, देखो डी तो दोनों में है, डी को चेक ही ना करें, डी तो दोनों में पड़ा है, फिर ई को चेक कर लो, ई यहाँ से यहाँ तक आपका 29 है, तो आप देखोगे 2.9 है, तो यहाँ से आपके पास इसका 58 है, तो इसका 10% होगा 5.8, 5% हो जाएगा 2.9, तो आपके पास इसके बराबर है, उसने लिखा है कि इक्वल भी हो जाना चाहिए, तो ये भी आपका ई वाला काउंट करेंगे, तो मतलब सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। द परसेंट ऑफ द स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन्ड लेस देन और इक्वल टू 50% मार्क्स, यहाँ पे या तो कम हो या फिर इक्वल टू 50% मार्क्स हो, तो उनकी परसेंटेज क्या है। ठीक है, आप चेक करेंगे, देखो लेस देन वाले तो ये रहे और इक्वल टू वाले यहाँ तक, ये 50 से आगे वाले आ जाएंगे, तो आप चेक करेंगे 5 और 8 कितने 13, 13 और 13 26, और 10 कितना हो जाएगा मेरे पास 36, 36 और 36 कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 कितना हो जाएगा यहाँ पे 54, 54 के अलावा सारे नंबर को ऐड करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 11, 11 और 7 हो जाएगा मेरे पास 18, 1 कैरी जाएगा तो ये आएगा 38, तो अगर 38 इसमें मैं ऐड करूंगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे यहाँ पे, दैट इज 82।
उसने पूछा है 54 नंबर जो है वो 82 नंबर का कितना पार्ट है। बट ये 82 नंबर यहाँ पे अवेलेबल हमने कुछ लगता है गड़बड़ की है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो गिवन ही है 90, तो हमें इसको यहाँ पे चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। हमें यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक ऐड करना था टोटल, ये मेरे पास आए थे अभी 54, तो 54 90 स्टूडेंट का कितना पार्ट है, 90 में से 54 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंटेज, तो परसेंटेज ऐसे ही निकालते थे ना, सिंपलीफाई करेंगे यहाँ पे तो ये आंसर आएगा आपका 60%। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन भी 2021 के सेकंड का, 2021 के पहले पेपर का क्वेश्चन है DI का। जब आपके पास ऐसा डाटा आएगा तो सिंपल है, कैलकुलेशन बेस्ड, ठीक है। विच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड लीस्ट ओवर द ईयर 2000 to 2005, 2000 से लेकर 2005 तक सबसे कम वाला प्रोडक्ट जो है वो कौन सा होगा इनमें से, ये पूछा गया। सबसे पहले आप सारे बच्चे देखो, अगर कम पूछा गया तो सिंपल सा बात है ना, आप सबको ऐड कर दो, यहाँ पर भी ऐड कर देंगे सभी को, एक तो ये तरीका हो जाएगा। दूसरा वैसे ही देख लो यार, यहाँ पर 160 200, ये तो 100 से नीचे नहीं आया कोई नंबर। यहाँ पर चेक करेंगे ये भी देखो, इसमें 3 400 वाले नंबर है, ठीक है, इसमें 4 हमारे पास नंबर 100 वाले हैं, इसमें चेक करेंगे 3 नंबर 100 वाले हैं, इसमें चेक करो इसमें एक ही नंबर 100 वाला है, और बाकी इसमें 44 70 नंबर इससे सभी में से कम भी आ रहा है, तो डेफिनेटली सी थर्ड नंबर आपके पास लिस्ट होगा, टाइप आपकी 3 इसका सही उत्तर होगा, आप ऐसे इसको जज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप इसको सी वाले को ऐड करेंगे, ये आएगा मेरे ख्याल से 504 के आसपास, बाकी नंबरों को ऐड करेंगे वो इससे कम होंगे, तो इसका मतलब सी आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ईयर द डिफरेंस इन द टोटल नंबर ऑफ द टैबलेट प्रोड्यूस्ड बिटवीन देम इज मिनिमम। तो यहाँ पर आपको 2000 से लेकर 2005 का सबसे पहले इनको ऐड करना पड़ेगा, 160 80, तो मैंने यहाँ पे इनका सम जो है वो पहले ही आपको सॉल्व करके दे दिया है, बाकी पेपर में आपको ऐड करते टाइम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। अभी सीधा मैं डिफरेंस के ऊपर आ जाता हूँ, जैसे 2003 और 2005 का डिफरेंस, तो 2003 का और 2005 का डिफरेंस आप चेक करोगे, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो मेरे पास आएगा यहाँ पे 7, जो कि सबसे कम होगा, यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बाकी आप 2001 और 5 का चेक कर लो, 2001 और 2005 इन दोनों का चेक करेंगे तो ये नंबर आपका 7 से ज्यादा लग रहा है, ठीक है। 2003 और 2004, 2003 और 4 में इन दोनों का डिफरेंस भी ज्यादा है, 2000 से लेकर 2004, 2000 से लेकर 2004 इन दोनों का डिफरेंस भी आपके पास यहाँ पे ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए का ही 7 आ रहा है, ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। द रेशियो ऑफ परसेंट ड्रॉप इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2004 कंपेयर टू 2001 to that of 2000 to compare to 2001 is। तो सबसे पहले यहाँ पे 2004 से लेकर 2001 का डिफरेंस क्या आएगा, किसमें, परसेंटेज में। तो 2004 का हमारे पास यहाँ पर 585 है और 2001 का कितना होगा, 695। अगर परसेंट डिफरेंस लेना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 695 माइनस ऑफ 585। क्यों, क्योंकि हम दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लेते हैं और कंपेयर किससे करते हैं, जो वैल्यू पीछे लिखी होती है। 2001 की वैल्यू आएगी यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100, तो इसका परसेंट आएगा और इसकी रेशियो फाइंड करने को बोला गया है 2000 से लेकर 2001। तो 2000 से लेकर 2001 इन दोनों का डिफरेंस आएगा, यहाँ पर भी आपको 695 माइनस 475 लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में वैल्यू वो आएगी जो वैल्यू पीछे लिखी जाती है, तो इसमें भी यहाँ पे 2095 ही आपके पास आएगा, क्योंकि यही वैल्यू आपके पास बेस में है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे इसकी परसेंटेज आएगी। कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 1:2, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। जो रेशो होता है उसको ही हम फ्रैक्शन वैल्यू बोलते हैं, 1/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर चलते हैं। इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ टाइप 1 इज मोर देन द सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टाइप टी एंड टाइप 4। तो टाइप 3 और यहाँ पे टाइप 4 की जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे किन में, यहाँ पर जो टाइप 1 है उनका यहाँ पर मोर पूछा गया है। सिंपल सा फंडा होगा, आप चेक कर लो 3 और 4 यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, इन दोनों का 160 इसके बराबर है। यहाँ पर, यहाँ पे आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, और ये वाला देखोगे सी और डी, यहाँ पर ये थर्ड और फोर जो है ये दोनों मिलाएंगे 240 के प्लस हो गए और ए मेरे पास 200 ही है, तो डेफिनेटली 2001 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। जैसे 2002 में चेक करेंगे, इन दोनों का सम इससे यहाँ पे छोटा है, इन दोनों का सम इससे छोटा आएगा, 2004 में इन दोनों का सम आपके पास इससे छोटा आएगा, तो डेफिनेटली इसी ऑप्शन नंबर आपका यही ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन 2020 के पहले पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और ये डाटा आपके पास रिप्रेजेंट किया हुआ है। द फॉलोइंग डाटा प्रेजेंट काउंट द रिलीज्ड कन्विक्ट हु हैव सर्वड प्रिज्म टर्म एक्स, एक्स की यहाँ पे जो प्रिजनर है वो लिखा गया है। Those who have received some educational technical training during their term is Y, Y वाले जो है ट्रेनिंग वाले होंगे,
और जेड वाले जो है वो प्लेसमेंट वाले होंगे। देखो सिंपल सी बात है, जो ट्रेनिंग में से ही यहाँ पे प्लेसमेंट रही होगी, ऐसा तो है नहीं किसी को भी प्लेसमेंट मिलेगी, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है उनको यहाँ पे आगे प्लेसमेंट मिलेगी। तो ये आप वैसे भी बोल सकते हैं कि वाई वाला डाटा ग्रेटर होगा जेड से, ठीक है, ये डाटा आप जनरल से भी आप जज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे ये चीज जज कर सकते हैं। ये आपके पास ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे टोटल 6 डिफरेंट जेल हैं 2010 की, तो इसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। तो पूछा गया पहला क्वेश्चन है, जेल विद द हाईएस्ट एंड द स्मॉलेस्ट परसेंट ऑफ ट्रेन कमिटेड आर रिस्पेक्टिवली, तो कौन सी ऐसी जेल है जिसमें यहाँ पर हाईएस्ट और लोएस्ट यहाँ पे ट्रेन वाले होंगे, ट्रेन्ड पर्सन होंगे। तो आप सिंपल चेक करेंगे, ट्रेन्ड पर्सन मेरे पास यहाँ पे ए में कितना है, टोटल ए में कितना है मेरे पास 45, बट ए की परसेंटेज कितनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सारा का सारा ए का एक्स वाई जेड को ऐड करके देखना होगा। जैसे कि 45 और यहाँ पे 25, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 70, 70 आप इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 और ये आएगा 156, ठीक है। तो 156 में से जो 45 है ये मेरे पास है कौन से ट्रेंड, यहाँ पर होंगे ट्रेंड कन्विक्टेड वाले, ठीक है। अगर आपको बोल दूं 156 में से आपके 45 नंबर आए हैं तो आप मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालोगे, आप सिंप्लीफाई करोगे, 55% से थोड़ा के आसपास आने वाला है, बाकी एक बार आपका इसको 55 नहीं सॉरी ये आपके 30 के प्लस आएगा, एक बार आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे फिर बी और सी और डी और ई और एफ सभी का आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें जरूर होगी। जब आप सॉल्व करेंगे तो जो डी वाला है वो आपके पास सबसे हाईएस्ट होगा और जो एफ वाला है वो यहाँ पे सबसे लोएस्ट होगा, तो इसका मतलब ये भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर चलते हैं, सिमिलर बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन है, जेल विद द हाईएस्ट प्लेसमेंट रेट ऑफ ट्रेंड कन्विक्टेड, तो प्लेसमेंट बतानी है यहाँ पे ट्रेंड में से, तो प्लेसमेंट वाले जेड है और ट्रेंड वाले वाई है, तो उसने पूछा है हाईएस्ट यहाँ पे बताओ, तो आपको सीधा पता चल गया होगा कि 25 की वैल्यू फाइंड करनी है किसमें से, 45 में से, 45 में से यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको दोबारा से चेक कर लो, यहाँ पे प्लेसमेंट डिवाइड बाय ट्रेंड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तभी आपके पास परसेंटेज आएगा प्लेसमेंट वालों का, सिंप्लीफाई करेंगे ये 55 के आसपास आने वाला है। ऐसे ही आप सॉल्व करोगे सभी को तो आपके पास ए वाला ही सबसे यहाँ पे हाईएस्ट होगा, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो बाकियों को भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन जरूर रहेंगे एज कम्पेयर टू द अदर पेपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर चलते हैं, जेल फ्रॉम विच मोर देन हाफ ऑफ द ट्रेन कन्विक्टेड आर ऑफरिंग जॉब, ऑफरिंग जॉब का मतलब क्या था, ऑफरिंग जॉब का मतलब था प्लेसमेंट हो जाना, तो मोर देन हाफ को किन को जॉब मिल चुकी है, देखो सिंपल सा फंड है इसका, यहाँ पे हाफ आप फाइंड करोगे तो कितना आएगा 22.5, तो ये तो 25 है, ये तो काउंट करेंगे करेंगे हम, हाफ से ज्यादा हो गया ना। अब इसका यहाँ पर आप हाफ चेक करोगे वो कितना आएगा 450 के आसपास, ये उससे ज्यादा ही है, इसका हाफ आप चेक करोगे ये आपका 470 के आसपास आने वाला होगा, फिर भी हम चेक कर लेते हैं क्रॉस चेक, बिल्कुल ये 470 के आसपास है, ये भी उससे ज्यादा है हाफ से, बट ये वाले उससे ज्यादा नहीं है, तो ऑप्शन आपके पास पहले तीनों का आएगा, तो ए बी सी यहाँ पे ज्यादा होंगे, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर चलते हैं, लेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्कूटर ऑफ कंपनी एक्स वाई सोल्ड बाय द 5 शोरूम ए बी सी डी ई इन द सर्टेन ईयर बी डिनोटेड बाय S1, S1 के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक्स भी होगा और यहाँ पे वाई भी होगा, और आगे लिखा हुआ है जो हमारे पास एक्स का सोल्ड आउट है वो हमारे पास S2 से डिनोट हुआ है, तो ये मेरे पास सिर्फ एक्स होगा। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे डायग्राम पढ़ने के बाद हम चेक करेंगे, द नंबर ऑफ द स्कूटर ऑफ द कंपनी वाई सोल्ड बाय द शोरूम ई इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ द स्कूटर बोथ द कंपनी ऑफ बोथ द कंपनी सोल्ड बाय द शोरूम सी। तो सबसे पहले वाई का हमें यहाँ पे ई फाइंड करना है, आप सारे बच्चों को ये पता होगा जो अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई में से एक्स को बाहर निकालूंगा तो वाई डाटा आएगा, और ई वाला यहाँ पे है कितना मेरे पास इसके अंदर एक्स वाई बोथ के अंदर 12%, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 12% हमारे पास किसका 6400 का 6400 का माइनस 8% ऑफ 3000, ये मैंने कैसे लिखा चेक कर लो, ये मेरे पास है यहाँ पे एक्स वाई का कॉम्बिनेशन और ये मेरे पास है सिर्फ एक्स, अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तभी तो वाई आएगा, तो वाई का मेरे पास ई शोरूम निकल के आएगा, जो भी ये डाटा आएगा मेरे पास यहाँ पे इसका परसेंट निकालना है हमने किससे, सी में से चेक करना है, सी का किस में से, दोनों में से, तो दोनों का डाटा तो ऊपर वाले में लिखा है तो सी कितना है यहाँ पे 15%, तो मैं लिख सकता हूँ कि 15% ऑफ 6400 का जो हमारे पास आएगा सी का कंबाइंड डाटा का, ये वाला वाई का ई डाटा कितना परसेंट होगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंट आएगा सिंप्लीफाइड का। अब पंगा कहाँ पे आया, पंगा आएगा कैलकुलेशन का, तो वीडियो पॉज करके आप इसको एक बार इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आफ्टर द कैलकुलेशन इसका आंसर आएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर चलते हैं, द
30 नंबर सिमिलर डाटा के ऊपर गिवन है द नंबर ऑफ स्कूटर ऑफ बोथ द कंपनी सोल्ड बाय द बी, बी का बोथ कंपनी का जो हमारे पास डाटा है इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ द कंपनी ऑफ द स्कूटर ऑफ एक्स सोल्ड बाय द ए कंपनी। तो अगर मैं बी का दोनों का डाटा निकालूंगा तो वो मेरे पास 21% आएगा, 21% किसका यहाँ पे 6400 का आएगा सीधा सीधा सा, क्लियर। और उसने पूछा है एक्स का ए, तो ये डाटा एक्स का था, एक्स का ए कितना है 24%, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 24% ऑफ किसका 3000 का। तो जो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस होगा वो ही क्या आएगा मेरे पास, बी इज हाउ मच ग्रेटर देन एक्स ऑफ ए, क्लियर। एंड डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय कंपेयरिंग किससे हुआ यहाँ पे, एक्स के ए से। तो डिवाइड बाय क्या आएगा यहाँ पे 24/100 मल्टीप्लाई बाय 3000। मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे समझे, यहाँ पे जो बी का डाटा है वो बोथ का माइनस करवाएंगे हम किससे, एक्स के ए से, और डिवाइड किससे करवाएंगे एक्स के ए से, और मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों, क्योंकि चेक करके देखो जो दोनों डाटा होगा और एक्स का ए आएगा वही तो डिफरेंस लेकर आएगा जो हमने यहाँ पे फाइंड किया, डिवाइड बाय वही होगा जिससे कंपेयर हुआ है, कंपेयर तो इसी से हुआ ना, और मल्टीप्लाई बाय 100 टू कैलकुलेट द परसेंटेज। आफ्टर द कैलकुलेशन ये आपका आंसर आएगा 86.2/3%। कैलकुलेशन बेस्ड जरूर है ये क्वेश्चन, बट इतना भी नहीं है कि आप नहीं सॉल्व कर सकते, आप इजिली इसमें से सॉल्व कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर चलते, 31 नंबर आपका सिमिलर डाटा गिवन है, ए व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर ऑफ कंपनी वाई सॉल्ड बाय द शोरूम एसीई। तो एसीई का यहाँ पे आपसे पूछा गया डाटा है, सबसे पहले आपको चेक करना होगा ए का यहाँ पे 19% जो है वो मेरे पास एक्स प्लस वाई का आएगा, और इसमें से एक्स वाला डाटा बाहर करेंगे जो यहाँ पर आपके पास 24% वाला है, तो मेरे पास y का डाटा आएगा, ठीक है। फिर से वही पंगा है, कैलकुलेशन यहाँ पे होगी ही होगी, और कैलकुलेशन के माध्यम से आप इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। जैसे कि मैं इसको एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आपको ये समझना यहाँ पे जरूरी है कि एक्स वाई में से अगर मैं एक्स को बाहर करूंगा तभी मेरे पास वाई वाला डाटा आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये 19% है, तो 19% किसका होगा यहाँ पे 6400 का, इसमें से अगर मैं यहाँ पे 24% बाहर कर दूंगा किसका 3000 का, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर y वाले का a आएगा, बात समझ आ रही है। ऐसे ही प्लस फिर हम चेक करेंगे किसका बोला गया c का, तो c कितना यहाँ पे 15%, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 15% किसका यहाँ पे 6400 का, माइनस हमारे पास आएगा यहाँ पे 20% ऑफ x, 20% ऑफ x कितना आएगा, x का टोटल डाटा 3000 का x, c हमारे पास x आ जाएगा, तो एक्स वाई में से एक्स बाहर करेंगे वाई आएगा हमारे पास यहाँ पे किसका सी का। फिर ऐसे ही हमारे पास ई का डाटा लिखेंगे, ई का डाटा कितना आएगा 12% ऑफ यहाँ पे 6400, माइनस फिर आएगा 8% हमारे पास यहाँ पे 3000। तो ये मेरे पास डाटा जो है वही लिखा हुआ है, ये मेरे पास ई का, ये हमारे पास सी का, और ये मेरे पास यहाँ पर ए का। तो अगर उस तीनों का यहाँ पे एवरेज पूछा गया तो एवरेज क्या होगा हमारे पास, ए प्लस सी प्लस ई तीनों का जो भी डाटा आएगा कैलकुलेशन के बाद डिवाइड बाय 3, क्योंकि सम डिवाइड बाय नंबर लिखेंगे तभी तो एवरेज आएगा। आफ्टर द कैलकुलेशन ये आंसर आएगा आपके पास 461/3, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर चलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्कूटर ऑफ कंपनी एक्स वाई सॉल्ड बाय द शोरूम ए एंड द टोटल नंबर ऑफ द स्कूटर ऑफ कंपनी एक्स सॉल्ड बाय द शोरूम बी एंड ई टुगेदर। सबसे पहले आप चेक करेंगे एक्स और वाई जो है वो ए का कितना डाटा है, तो एक्स वाई का अगर चेक करेंगे हमारे पास, ये एक्स और वाई का कंबाइन तो है यहाँ पर ए वाला, तो सीधा चेक कर लेंगे हमारे पास 19% किसका हमारे पास टोटल 6400 का, और इसका और यहाँ पर x का b और e का कंबाइन, तो b और e कितना है मेरे पास 18 और e कितना है 8, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26%, तो 26% किसका 3000 का। तो इन दोनों का क्या लेना था हमने यहाँ पे डिफरेंस, तो जो डिफरेंस आएगा वही उसने पूछा हुआ था, तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 436 आफ्टर द कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर चलते, 33 नंबर क्वेश्चन 2019 के सेकंड पेपर में पूछा गया, व्हाट वाज द एप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ पेडिस्ट्रेट किल्ड बाय पर डे इन 2017। देखो अगर मैं पर ईयर की बात करूंगा तो एक साल में टोटल 365 दिन होंगे, 2017 का डाटा है और इसका डाटा पूछा गया, तो 2017 के अंदर यहाँ पे टोटल किलिंग कितनी हो चुकी है यहाँ पे 20,475। तो पर डे का डाटा कैसे निकालेंगे, जितना नंबर था डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, आफ्टर द कैलकुलेशन ये 56 के अप्रोक्सीमेट आएगा, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर चलते हैं, सिमिलर डाटा ही आपके पास गिवन है, उसने पूछा हुआ है कि यहाँ पे जो हमारे पास पेडिस्ट्रेट थे वो 2014 से लेकर 17 तक में कितना डिक्रीज या इंक्रीज हुए हैं। तो आप सिंपल चेक करेंगे, ये वाला हमारे पास था 2014, ये हमारे पास है यहाँ पे 2017, तो डिफरेंस कितना आएगा 20,475 में से 12,330 को बाहर करेंगे तो डिफरेंस आएगा यहाँ पे, ये आएगा 5, ये आएगा 4, और ये आएगा 1, और ये आएगा 8।
हम बोल सकते हैं हमारे पास 8145 का डिफरेंस आया किसके ऊपर, यहाँ पे 2014 के ऊपर। तो 12330 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंट आएगा, मतलब इतना डिफरेंस आया, जिससे कंपेयर करना है वही डिनोमिनेटर में होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज आएगा विच इज इक्वल टू 66% अप्रोक्सीमेट। तो ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ बाइकर किल्ड डेली इन द रोड एक्सीडेंट इन द ईयर 2017। तो रोड एक्सीडेंट वाले मेरे पास बाइकर कितने टोटल इतने 2017 में, तो 2017 में अगर टोटल किलिंग इतनी हो रही है तो पर डे कितनी होगी। पर डे के लिए आपको 100 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 133 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन में 134 है, तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ साइक्लिस्ट किल्ड डेली इन द रोड एक्सीडेंट। तो आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे साइकिल वाले हमारे पास यहाँ पर 2017 का पूछा हुआ है, तो साइकिल वाले कितने 3569, तो आप डिवाइड बाय इसको करेंगे 365 से, तो पर डे का डाटा आएगा विच इज इक्वल टू 10 अप्रोक्सीमेट 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ए ऑप्शन इसका सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन, ये 2019 के पहले पेपर के क्वेश्चन है। इन ए सर्टेन टाउन ऑफ ए पॉपुलेशन साइज 1 लाख 3 टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर 1, 2, 3 आर अवेलेबल। द परसेंटेज ऑफ द पीपल इन द टाउन हु रीड दिस पेपर एज फॉलो, ये आपके पास यहाँ पे परसेंटेज गिवन है। उसके बाद लिखा है व्हाट इज द नंबर ऑफ द पीपल हु रीड वन न्यूज ओनली वन न्यूज़पेपर, सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसकी यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी होगी। सिंपल सा फंडा आपको ये सोचना होगा, इसके लिए आपको वेन डायग्राम आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे वेन डायग्राम बनाऊंगा, थोड़ा सा बड़े सर्कल यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे एक सर्कल, दूसरा सर्कल और तीसरा सर्कल, ठीक है। सबसे पहले इसके ऊपर वन और इसके ऊपर सेकंड और लास्ट में आपके पास यहाँ पे थर्ड नंबर। तो सबसे पहले तीनों का कंबाइन आपके पास यहाँ पे कितना है 1%, तो ये मेरे पास आएगा 1% यहाँ पे। उसके बाद आप चेक करोगे सेकंड एंड थर्ड के अंदर कितना नंबर है, सेकंड एंड थर्ड के अंदर 4% है, 4 के अंदर 1% तो फिल हो गया, तो ये बाकी बचा हुआ 3% ये होगा, तभी तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड के अंदर 1 और 3, 4 हो पाएगा। ये हमारा डाटा यहाँ पे डन हो चुका है, ये भी डन हो गया। फिर फर्स्ट एंड थ्री के अंदर 2 है, फर्स्ट एंड थ्री के अंदर अगर 2 है, 1 तो अवेलेबल यहाँ पे है ही, तो एक नंबर यहाँ पे रखना पड़ेगा 1 एंड 3 के अंदर, 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो ये भी डन हो जाएगा। फिर 1 एंड 2 के अंदर आपके पास टोटल है 8, तो 1 एंड 2 के अंदर 8 है, तो एक तो फिल हो गया, तो बाकी बचे हुए 7 यहाँ पे होंगे। उसके बाद में आप चेक करोगे 1 डाटा के अंदर कितने हैं, टोटल 10, 10 में से 7, 8, 9 डाटा पूरा हो चुका है, तो एक डाटा इसके पास आएगा। ऐसे ही सेकंड वाले को चेक करेंगे, सेकंड के लिए यहाँ पे चेक करेंगे 30%, 30 के अलावा चेक करोगे 7 और 3, 10 और 11 में से अगर 30 में से आप माइनस करोगे तो सेकंड ओनली मेरे पास 19 आएगा। तो आप चेक कर लोगे सेकंड सर्कल जो ये वाला है, इसको पूरा सर्कल बनाओगे तो इसके अंदर टोटल 30 आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट डाटा बच चुका है यहाँ पर थर्ड, थर्ड के अंदर हमारे पास यहाँ पे 5%, तो थर्ड के अंदर 5% है यहाँ पे 3, 1, 1, तो थर्ड अकेला 0% वाला रहेगा, क्लियर है। तो उसने पूछा यहाँ पे रीड ओनली वन न्यूज़पेपर, तो वन न्यूज़पेपर अगर रीड करना होगा तो यहाँ पर एक डाटा ये रहा, 19 डाटा ये रहा, जिसमें 19 और 1 जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो इसका मतलब होगा टोटल 20%। तो 20% किसका, टोटल 1 लाख का। तो 1 लाख का अगर मैं आपको यहाँ पे 20% पूछूं कितना होगा, दैट इज इक्वल टू, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये कट कट आके आपके पास आएगा टोटल 20,000। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ द पीपल हु रीड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, इसको समझना जरूरी है। एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर का मतलब है 2 कम से कम रीड करें, ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5 भी रीड कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, ठीक है। तो कम से कम 2 रीड होने जरूरी है, कम से कम 2 रीड होने का जरूरी का मतलब होगा, जिसमें ये आपके पास 7 नंबर भी आएगा, ये आपके पास 1 भी आएगा, ये 3 भी आएगा और ये 1 भी आएगा, क्योंकि एक नंबर तो तीनों का कॉम्बिनेशन है, ये वाला एक नंबर 2 और 1 का कॉम्बिनेशन है, तो आप इनको ऐड करोगे 10, 10 और 2, 12, तो टोटल 12% होगा। तो यहाँ पर 1 लाख का अगर 12% निकालना होगा तो आंसर क्या आएगा, 12,000, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ द पीपल हु डू नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर, तो कोई भी न्यूज़पेपर रीड ना करे, तो यहाँ पे टोटल डाटा चेक कर लेते हैं। टोटल इसमें देखोगे अगर सेकंड में टोटल 30% तो यही है, 30 और ये 1 आपके पास, ये 1 आपके पास, तो टोटल हमारे पास डाटा अवेलेबल है जो कोई न्यूज़पेपर रीड कर रहा है, दैट इज 32%। तो टोटल आपको पता है जो भी डाटा होता है वो हमारे पास 100% होता है, 100 में से अगर 32% डाटा ऐसा है जो न्यूज़पेपर रीड करेंगे, तो हम बोल सकते हैं 68% ऐसा डाटा होगा जो न्यूज़पेपर नहीं रीड करेगा। तो 1 लाख का
68% कितना होगा 68,000। तो डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर चलते हैं। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 6,000। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम एज फॉलोस। तो ये डाटा आपके पास गिवन है। इफ द अबव डाटा इज रिप्रेजेंट द परसेंटेज बार डायग्राम ऑफ ए हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टू सेगमेंट ऑफ द बार डायग्राम कोरेस्पॉन्डिंग टू द एजुकेशन एंड मिसलिनियस। सबसे पहले आपको ये देखना होगा जो 15 सेंटीमीटर का ये डायग्राम है, तो 15 सेंटीमीटर की जो लंबाई है वो आपके 6000 के बराबर होगी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे टोटल डाटा 6000 का है, तो 6000 की वैल्यू आपके पास 15 सेंटीमीटर की वैल्यू गिवन है। उसने पूछा सबसे पहले एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन कितना होगा 4 नंबर, तो 480। तो यहाँ पे सीधा आपने यूनिटरी मेथड निकालना है कि 480 की वैल्यू कितनी है। तो आपको बताया था 15, तो यहीं पे रहेगा 6000 जो है वो आपके पास यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 480 से। ठीक है, बेसिक में आपको समझाया था, जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 के टेबल पे कट जाएगा ये 4 टाइम, और ये हमारे पास आएगा 50 टाइम, इससे कट जाएगा 10 टाइम, और ये आएगा मेरे पास 3 टाइम। तो हम कह सकते हैं ये आएगा 1.2 सेंटीमीटर। तो मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, तो 1.2 वाले दो ऑप्शन बच गए हैं। फिर लास्ट में है मिसलेनियस, तो मिसलेनियस वाले हैं 1660। तो आपके पास आंसर आएगा इसका 15 डिवाइड बाय 6000 मल्टीप्लाई बाय 1660। आफ्टर द कैलकुलेशन ये आएगा 4.15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर चलते हैं। आउट ऑफ 85 चिल्ड्रन प्लेइंग बैडमिंटन टेबल टेनिस और बोथ द टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स इन ए ग्रुप इज 70% ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज इन दैट ग्रुप। The number of the boys playing for the badminton is 50% of the number of the boys and the total number of the boys playing the badminton is 60% of the total number of the boys. The number of the children playing only table tennis is 40%. Total number of the children and a total number of 12 children playing badminton and table tennis both. The number of the girls playing badminton only. काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2018 के सेकंड पेपर में आया हुआ है। आप एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के अंदर ये देखें कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने अवेलेबल थे हमारे पास यहाँ पे 85। तो 85 थे, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ था नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स हमारे पास कितनी है 70% ऑफ बॉयज। मान लो बॉयज 100 है, तो गर्ल्स हमारे पास इसका 70% होगा, तो रेशियो हमारे पास 7:10 होगी। टोटल कितने हो गए 17 की वैल्यू अगर 85 होगी तो एक की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 5 होगी। अगर एक की वैल्यू 5 होगी तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 10 की वैल्यू 50 होगी और 7 की वैल्यू 35 होगी। मतलब नंबर ऑफ बॉयज मेरे पास यहाँ पे 50 रहे होंगे। बात समझ आइए, किसी बच्चे को लगे कि यार ये क्या कर दिया, तो ये और कुछ नहीं यूनिटरी मेथड ही है। ठीक है, जो आपको स्टार्टिंग में समझाया था। आगे बढ़ने से पहले आप चेक करेंगे 40% मेरे पास यहाँ पर कौन से है जो हमारे पास सिर्फ एंड सिर्फ टेबल टेनिस खेलेंगे। ठीक है, 12% ऐसे हैं जो बैडमिंटन भी खेलेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे टेबल टेनिस भी खेलेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आपको बढ़ने से पहले देखना होगा कि 85 ऐसे थे, 85 का 40% ऐसा डाटा है जो हमारे पास यहाँ पे टेबल टेनिस खेलेगा। तो इसका 40% निकालेंगे यहाँ पे 40/100, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 34। क्लियर। उसके आगे 12 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि यहाँ पे बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेल रहे हैं, तो 12% और भी आगे जो हमारे पास बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेल रहे हैं दोनों कंबाइन। अगर मेरे पास 85 स्टूडेंट थे जिसमें से इन दोनों को ऐड कर लो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, तो 46 को माइनस करने पे जो डाटा आएगा मेरे पास 85 में से 46 को बाहर करेंगे ये आएगा मेरे पास 39। तो ये डाटा कौन सा आएगा इसको समझना जरूरी है आप सबके लिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आपके पास वो डाटा आएगा जो सिर्फ यहाँ पे बैडमिंटन ओनली खेलेंगे। अब ये कैसे पता चला इसको समझना होगा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन 85 है, जिसमें 34 हमारे पास ऐसे हैं जो कि टेबल टेनिस खेल रहे हैं सिर्फ टेबल टेनिस, तो वो तो बाहर कर दिया हमने। 12 ऐसे हैं जो टेबल टेनिस भी खेल रहे हैं बैडमिंटन भी खेल रहे हैं, इनको भी बाहर कर दिया हमने, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे एक डाटा लिखा हुआ था कि 50% ऐसे बॉयज हैं जो सिर्फ बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो बॉयज हमारे पास 50 हैं, तो 50% आएगा यहाँ पे 25। तो ऐसे पर्सन है यहाँ पे बॉयज जो सिर्फ एंड सिर्फ बैडमिंटन खेलेंगे। तो 39 में से अगर 25 मेरे पास यहाँ पे बॉयज यहाँ पे ओनली बैडमिंटन खेलेंगे, तो बची हुई 14 यहाँ पे गर्ल्स होंगी या नहीं होंगी जो सिर्फ बैडमिंटन खेलेंगी। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर चलते हैं। इन एन एग्जाम ऑफ क्लास 8 55% स्टूडेंट पास इन बायो, 62% पास इन फिजिक्स, 60% पास इन केमिस्ट्री, 25% पास इन फिजिक्स एंड बायो, 30% इन फिजिक केमिस्ट्री,
28% बायो एंड केमिस्ट्री, ओनली 2% फेल्ड इन ऑल द एग्जाम। ये फेल्ड वाला यहाँ पर काफी बच्चों को कंफ्यूजन में डालेगा। व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट। वैसे जो पेपर में ये गिवन होता था आपको, जो आपसे पूछा जा रहा है ये गिवन होता था और ये आपसे पूछ लिया जा सकता है, बट इस बार इन्होंने उल्टा किया हुआ है 2018 के सेकंड पेपर में। वैसे ये एक पैट क्वेश्चन है, आई होप सारे बच्चों को कुछ फॉर्मूले वगैरह याद होंगे, अदरवाइज आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अगर कोई भी स्टूडेंट वेन डायग्राम से करना चाहता है तो वेन डायग्राम से भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये मिसिंग नंबर यहाँ पे कंबाइन नहीं गिवन, तो आप इसको एक्स मान के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। देखो पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे सारा का सारा फॉर्मूला कैसे बना, क्यों बना, अभी हम उसके ऊपर नहीं जा पाएंगे। ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं यूनियन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, जो ए बी सी का यूनियन होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, यहाँ पर ए के ऑल डाटा, बी का ऑल डाटा और सी का ऑल डाटा का एडिशन माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी माइनस ऑफ ए बी इंटरसेक्शन ऑफ सी माइनस ऑफ सी इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड प्लस प्लस आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना कि बच्चे यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस आएगा हमारे पास ए बी सी का इंटरसेक्शन। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। ये हमारे पास एबीसी का जो डाटा आपके पास लिखा है, ये हमारे पास कौन सा डाटा है, हमें पता है टोटल डाटा 100% है जिसमें से 2% फेल है, तो 98% पीपल तो पास होंगे यहाँ से स्टूडेंट। तो ये हमारे पास टोटल रिजल्ट होता है वो आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, 98 लिख लो क्योंकि सभी में परसेंटेज है, लास्ट में सीधे ही परसेंट लगा देंगे। ठीक है, तो 98 लिख लेते हैं। एबीसी का कॉम्बिनेशन है 55, 62 और 60। ये ओनली वाला डाटा नहीं है, ये आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये ओनली वाला डाटा नहीं है, ये ए का सारे कॉम्बिनेशन है, जो ए बी का कॉम्बिनेशन है, एबीसी का कॉम्बिनेशन है, वो सारा ही जो ए का रिजल्ट था वो लिखा जा रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ए मेरे पास यहाँ पे 55 होगा, बी यहाँ पे 62 होगा, सी हमारे पास 60 होगा और ए बी का इंटरसेक्शन है मेरे पास यहाँ पर 25, बी सी का इंटरसेक्शन है मेरे पास 30 और यहाँ पे नेक्स्ट वाले का इंटरसेक्शन है 28 और ये वाला जो है इसको मैं यहाँ पे x का नाम दे देता हूँ। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। आफ्टर द कैलकुलेशन x मेरे पास यहाँ पे 4 आएगा, इसका मतलब 4% डाटा ऐसा होगा जो हमारे पास यहाँ पे तीनों का कॉम्बिनेशन आएगा। ये अब मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ, जैसे हमारे पास ये डाटा ऐसे आता है ना, तो ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है वो निकालने का ये अप्रोच होता है और यही हमारे पास यहाँ पे लिखे जाने वाला अप्रोच होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 4%, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर चलते हैं। सिमिलर बेस के ऊपर क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। एक ही सब्जेक्ट में पास होने वाले ऐसे कितने स्टूडेंट है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर अब इसका वेन डायग्राम आप बना सकते हैं, बिना वेन डायग्राम के भी हो जाएगा। अभी हमने निकाला था ये कॉम्बिनेशन 4 है और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये मेरे पास बायो है, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया। तो बायो के अंदर टोटल कितने हैं 55, फिजिक्स के अंदर कितने हैं 62 और केमिस्ट्री के अंदर कितने हैं यहाँ पे 60। 4 यहाँ पे है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन कितना है आप चेक करोगे यहाँ पे, तो इन्होंने लिखा हुआ है कि 25 है हमारे पास फिजिक्स एंड बायो, तो फिजिक्स एंड बायो लिख लेते हैं पहले। फिजिक्स एंड बायो का जो हमारे पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन है वो 25 है, तो 4 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये डाटा 21 रहा होगा तभी तो ये 25 होगा। आगे देखो यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 30 है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 30 है, 4 तो यहाँ पे हो गया, 26 यहाँ पे होगा। फिर आप नेक्स्ट चेक करोगे यहाँ पे 28 है बायो एंड केमिस्ट्री, 28 है बायो एंड केमिस्ट्री, 4 तो यहाँ पे है तो ये 24 होगा। क्लियर है डाटा, और 2% फेल है इसको हम साइड में रखेंगे। अब फिर से आप चेक करें, मान लो सी हमारे पास 60 है, 60 में से 24 और 26 कितना हो गया 50, 50 और 4 कितना हो गया 54, तो ये डाटा 54 तो कॉम्बिनेशन में हो गया, तो ये सिर्फ 6% बचेगा ताकि ये 60 आपका आ पाए। इसका मतलब ये हुआ केमिस्ट्री हमारे पास ओनली वाले कितने होंगे, यहाँ पे ओनली वाले सिर्फ 6 होंगे। बात समझ आ रही है। फिर से आप चेक करें यहाँ पे 62 है, तो आप इसको ऐड करेंगे, ये 25 देंगे, 25 और 25 से 50 और एक 51, तो 62 में से 51 तो ऑक्यूपाइड है, 51 ऑक्यूपाइड है, तो फिजिक्स ओनली वाले 11 होंगे। ऐसे ही अगर बायो हमारे पास 55 है, इनको भी ऐड करके देख लेते हैं, 25 25 50 और एक कम करेंगे यहाँ पे 49, तो 49 बनाने के लिए यहाँ पे 55 बनाने के लिए हमें 49 में 6 नंबर रखने पड़ेंगे, तो 6 बायो के होंगे अकेले में। तो उसने पूछा है ओनली वन सब्जेक्ट, तो वन सब्जेक्ट वाले कौन से होंगे, एक तो 11, एक हमारे पास 6 और एक और 6, ये वाला 6 और ये वाला 6 और यहाँ पे 11, सबको आप ऐड करेंगे 17 और 6 हमारे पास 23, तो 23% डाटा आएगा, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर चलते हैं। इफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इज 360 देन हाउ मेनी स्टूडेंट इन एटलीस्ट टू सब्जेक्ट।
पास्ट कम से कम दो सब्जेक्ट से होना चाहिए। दो सब्जेक्ट कम से कम का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा भी हो सकता है पास्ट, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट अगर कम से कम बोला जाए तो इसका मतलब है तीन चार पांच में भी हो जाना चाहिए। इसको आप याद रख लें एटलीस्ट वाले को। अगर एग्जैक्टली लिखा हुआ, एग्जैक्टली का मतलब होता है सिर्फ यही दो वाले काउंट करना है, फिर तीसरे वाले को काउंट नहीं करना है, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब होता है तीसरा चौथा जितने भी है सारे हम कर सकते हैं, दो से नीचे वाले नहीं हमने लेने, क्लियर। तो 360 अगर ये डाटा है तो दो वाले कितने हैं, तीन वाले कितने हैं, यहाँ से चेक करेंगे आप, चेक कर लो ये वाला 26 डाटा आएगा, ये 24 डाटा आएगा, 50 50 और ये कितना हो जाएगा 75%। तो टोटल आप ऐड करेंगे यहाँ पे ये 75% आएगा आफ्टर द कैलकुलेशन, 75% ये कट जाएगा 3/4, तो ये हमारे पास कट जाएगा 90, 90 इंटू 3 करेंगे 270 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यहाँ पे दो सब्जेक्ट से कम पास होंगे, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर चलते हैं। What is the ratio of the number of the student who passed in both physics and chemistry में पास हो जाने की to the number of the student who passed in bio and physics but not in chemistry। अब यहाँ पे not in chemistry वाला सिस्टम आपको समझना होगा, पहले एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे है physics and chemistry, तो physics में भी हो plus chemistry में भी हो combine आपसे पूछा गया, तो result लेकर आते हैं यहाँ पे physics and chemistry में combine, तो physics ये रहा, chemistry मेरे पास ये रहा, तो यहाँ पे देखेंगे 26 26 और 4 ये भी रखेंगे 30, क्योंकि ये भी तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आ रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। आगे लिखा हुआ है बायो फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो आप चेक करोगे बायो एंड यहाँ पे बायो एंड कौन सा था, बायो एंड फिजिक्स, तो यहाँ पे चेक करेंगे बायो और यहाँ पर आपके पास फिजिक्स, तो ये सिर्फ 21 आएगा, नॉट केमिस्ट्री मतलब 4 नहीं रखेंगे हम, तो सिर्फ 21 लिखेंगे इसके अंदर, तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर करवा देगा। 3 के टेबल पे कट हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा 10:7, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर चलते हैं। ए पाई चार्ट इज ड्रॉन फॉर द फॉलोइंग डाटा, व्हाट इज द एंगल एप्रोक्सीमेटली सबटेंडेड बाय द सोशल सर्विस सेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा ये परसेंटेज डाटा अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा हुआ है यहाँ पे सोशल सर्विस, सोशल सर्विस वाला आप चेक करोगे तो ये रहा मेरे पास, ठीक है। इसका आपसे क्या पूछा गया, सेंट्रल एंगल, याद होगा आपको मैंने समझाया था कि जो 1% होता है वो मेरे पास होता है 3.6 डिग्री के बराबर, तो अगर आपसे पूछा रहेगा 16.1% तो आपको क्या करना होगा, सिंपली 3.6 डिग्री से मल्टीप्लाई करवाना होगा इससे, तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 से ज्यादा ही आंसर होगा, तो 48 से ज्यादा यहाँ पर यही ऑप्शन दिख रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 के ऊपर चलते हैं। ये फिर से आपके पास एक डीआई का पोर्शन पूछा गया, 2017 के सेकंड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। इन यूनिवर्सिटी देयर आर 1200 स्टूडेंट फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टैटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर स्टडिंग इन मैथमेटिक्स, 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर स्टडिंग इन फिजिक्स, 320 स्टूडेंट स्टडिंग इन स्टैटिक्स, 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग इन केमिस्ट्री आर गर्ल्स, 150 आर बॉयज स्टडिंग मैथमेटिक्स, 60% ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग फिजिक्स आर बॉयज, 250 गर्ल्स आर स्टडिंग इन स्टैटिक्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज स्टडिंग स्टैटिक्स एंड फिजिक्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है। वैसे आगे बढ़ने से पहले जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो ऐसा ना हो कि आप 5 मिनट लगाकर यही क्वेश्चन करते रहो, आप जल्दी से अपने पेपर में चेक करो कि इसके कितने क्वेश्चन है। अब जब आप जल्दी से चेक करोगे तो पता चलेगा इसके 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चनों के लिए 5 मिनट लगाने आपके लिए जरूरी बन जाते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको ये समझ ही ना आए कि सर ऐसा एक ही क्वेश्चन आया था हम तो 5 मिनट इसमें लगा के बैठ गए, ठीक है, ऐसा नहीं करना। जैसे ये लास्ट क्वेश्चन था, ये एक ही क्वेश्चन आया था बस, ये है भी आपका 1 मिनट का, तो ये आपका बड़ा क्वेश्चन है, कम से कम 5 क्वेश्चन होने जरूरी है। इसके लिए आपको यहाँ पे डाटा बना लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैथ का, फिर स्टैटिक्स का, फिर फिजिक्स का और लास्ट में केमिस्ट्री का। यहाँ से हम डाटा ऐसे बनाने की यहाँ पे कोशिश कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम ऐसे कोशिश कर लेते हैं, मेरे पास ऐसे डाटा बन जाएगा। उसने पूछा है कि टोटल स्टूडेंट है मेरे पास 1200, जिसमें से 20% ऐसे स्टूडेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट है जो मैथमेटिक्स स्टडी करेंगे। अब इसका 20% कितना होगा, देखो इसका 10% कितना होगा, 120, 20% हो जाएगा डबल 240, तो यहाँ पर बोल सकते हैं मैथ वाले कितने हैं, 240 है, क्लियर। उसके आगे चेक करेंगे यहाँ पे 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट आर स्टडिंग फिजिक्स, इसका 1/4 कितना होगा, 300, तो 300 यहाँ पे फिजिक्स में हो जाएंगे डायरेक्ट। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ पे 320 स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टैटिक्स में हैं, तो 320 स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप मुझे बताओ केमिस्ट्री वाले निकाल लेंगे हम टोटल, क्योंकि टोटल कितने हैं मेरे पास 1200। अब सारे बच्चे चेक कर लोगे, ये 300 है, 300 और 300 हो जाएगा 600, 600 और 200 कितना हो जाएगा 800, ये 860 है। अगर 1200 में से मेरे पास 860 को बाहर कर लेंगे तो ये मेरे पास आएगा 40 और ये आएगा यहाँ पे 3,
तो ये डाटा मेरे पास आएगा 340 जो सिर्फ केमिस्ट्री वाले होंगे। बात समझ आ रही है, इस डाटा को आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे 3/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन केमिस्ट्री आर गर्ल्स, मतलब 3/5 जो है केमिस्ट्री का गर्ल्स है। अगर मैं यहाँ पर आपको ये डाटा बनाने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, क्लियर, इतना आप डाटा बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि गर्ल्स केमिस्ट्री वाले 340 हैं जो गिवन था डाटा, उसका अगर 3/5 निकाला जाए, 3/5 निकालेंगे आप सारे, तो यहाँ से आपके पास कट जाएगा ये पोर्शन। कटने के बाद आएगा यहाँ पे 68, 8 × 3 करेंगे 24, दो कैरी चला जाएगा तो ये आएगा 204। तो 204 इसमें क्या होंगी, यहाँ पे लड़कियां हैं। आप इसका 2/5 भी निकाल सकते थे, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये 6 आएगा, 1 कैरी चला जाएगा तो ये आएगा मेरे पास 136, या फिर 340 में से 204 अगर लड़कियां हैं तो बचे हुए 136 क्या होंगे, यहाँ पे लड़के होंगे। बात समझ आ रही है। उसके आगे चेक करेंगे 150 बॉयज स्टडिंग इन मैथमेटिक्स, तो ये बॉयज हैं 150 यहाँ पे बॉयज मैथ में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो बाकी यहाँ पे 90 लड़कियां होंगी तभी 240 बनेगा। 60% स्टडी जो है फिजिक्स के अंदर बॉयज है, बॉयज जो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे फिजिक्स के अंदर टोटल 300 है, 300 का 60% निकालेंगे 180 बॉयज हैं तो 120 यहाँ पे लड़कियां होंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है 250 लड़कियां हैं टोटल स्टैटिक्स के अंदर, स्टैटिक्स के अंदर टोटल यहाँ पे 250 लड़कियां हैं, 250 यहाँ पे हैं, 320 बनाने के लिए मेरे पास 70 का डाटा ये होगा। क्लियर हो गया, डाटा सारा अवेलेबल है। अब जो पूछा गया आप बता सकते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज स्टडिंग स्टैटिक्स एंड फिजिक्स, तो स्टैटिक्स एंड फिजिक्स के अंदर बॉयज कितने हैं, 180 और 70 दोनों का एड करेंगे 250, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर चलते हैं। द नंबर ऑफ द गर्ल्स स्टडिंग इन स्टैटिक्स इज व्हाट परसेंट अप्रोक्सीमेट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग इन केमिस्ट्री, तो गर्ल्स का स्टैटिक्स फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे गर्ल्स के अंदर स्टैटिक्स कितने हैं, 250, केमिस्ट्री के अंदर कितने हैं टोटल 340। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि यहाँ पे 250 जो लड़कियां स्टैटिक्स में है, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट है केमिस्ट्री के वो है 340, तो ये इसका कितना परसेंटेज है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ से परसेंटेज आ जाएगा। आफ्टर दी कैलकुलेशन ये आपके पास आएगा 73.5%। ये कैलकुलेशन आपने जरूर एक बार करने की कोशिश करनी है, मैं यहाँ पे सीधा सीधा इसका आंसर मार्क कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर चलते हैं। इन विच सब्जेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल, इक्वल कहाँ पे है ये पूछा गया है, ठीक है। डिफरेंस आपको ये भी ध्यान रखना है, डिफरेंस है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास देखो सारे के सारे, यहाँ पर निकालने से पहले आप चेक कर लो मैथ और केमिस्ट्री, तो मैथ और केमिस्ट्री का डिफरेंस चेक करते हैं बॉयज और गर्ल्स का, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करोगे, सभी में चेक कर लो, यहाँ पर आपके पास मैथ और केमिस्ट्री के अंदर चेक कर लेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरे पास लगभग लगभग जो है इसके बराबर जो है वो नहीं आएगा, ये 60 है और ये मेरे पास 60 तो नहीं आने वाला, इतना हमें यहाँ पे पता चल गया, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है स्टैटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो स्टैटिक्स एंड केमिस्ट्री को चेक कर लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास इसके बराबर नहीं आने वाला, ये भी इलिमिनेटेड है। तीसरा है मैथ और फिजिक्स, तो फिर आप चेक करोगे यहाँ पे मैथ और फिजिक्स का, तो फिजिक्स का इन दोनों का डिफरेंस 60 का है, चेक कर लो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 60 है, यहाँ पे भी आपके पास 60 है, तो ये बिल्कुल सही है, बराबर है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द बॉयज स्टडिंग इन मैथमेटिक्स एंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन फिजिक्स, मैथ के अंदर बॉयज फिजिक्स के अंदर गर्ल्स का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। मैथ के अंदर बॉयज कितने 150, फिजिक्स के अंदर गर्ल्स कितने 120, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 30, तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 51 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द बॉय एंड टू द टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स, काफी इजी क्वेश्चन फिर से, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स को जस्ट ऐड करना है यहाँ पे, बॉयज को ऐड करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 6, और यहाँ पे आप ऐड करोगे 7 और 5 12, 12 और 8 20 और 3 23, दो कैरी चला जाएगा ये आएगा मेरे पास 536, और गर्ल्स कितनी होंगी यहाँ पे आप ऐड करेंगे 4, 9 और 5 हो जाएगा 14, 14 और 2 16, 16 मेरे पास 6, 1 कैरी चला जाएगा यहाँ पे आएगा मेरे पास 3 4 5 6, ये आएगा 664, ठीक है, 536 664, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 536 664। सबसे पहले 4 के टेबल पे कट कर लेते हैं यहाँ पे 1, और ये मेरे पास चला जाएगा 3 टाइम, ये आएगा 4 टाइम, फिर आप इसको 4 के टेबल के ऊपर कैंसिल करेंगे, ये आएगा मेरे पास 1 टाइम, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 6 टाइम, फिर से आप इसको 2 के टेबल पे कट कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 67, और यहाँ पे आपके पास आएगा 83, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इन ए पाई डायग्राम देर आर 4 स्लाइसेस विद दीस एज ए सेंट्रल एंगल,
ए न्यू पाई डायग्राम इज फॉर्म्ड बाय डिलीटिंग 60 डिग्री, जो हमारे पास सबसे यहाँ पे छोटा एंगल था उसको डिलीट करने पे जो नया पाई डायग्राम बनेगा उसके अंदर सबसे बड़ा जो स्लाइस होगा वो कितने डिग्री का होगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि अगर मैं यहाँ पर टोटल इनको ऐड करूंगा, वैसे तो बिना ऐड करे भी आप देख सकते हैं, बिना ऐड करेंगे अगर हमारे पास जो भी हमारे पास पिज्जा होगा या कभी भी स्लाइस होगा वो मेरा हमेशा सर्कुलर पार्ट में होगा। सर्कुलर के अंदर एंगल 360 डिग्री है, उसमें से अगर 60 डिग्री वाले को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास डाटा कितना बचेगा, 300 डिग्री का बचेगा यहाँ पे, और ये 300 डिग्री के अंदर 150 डिग्री बच गया, 90 डिग्री बच गया और 160 डिग्री का बच गया। तो अगर मैं इन तीनों का यहाँ पे रेशियो बनाने की कोशिश करूं, वैसे तो रेशियो की भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी आपके पास यहाँ पे लार्जेस्ट पूछा जा रहा है या फिर स्मॉलेस्ट पूछा जा रहा है, दो ही एंगल बचे हैं हमारे पास। तो अगर मैं पूछूं आपके पास ये लार्जेस्ट वाला इसका कितना पार्ट है, तो आपको देख कर ही पता चल जाएगा इसका हाफ पार्ट है। तो जो नया अगर मैं इस यहाँ पे 1 2 3 4 अगर मैं इसको बाहर कर दूंगा तो तीन जो पार्ट बचे होंगे इसको भी अगर मुझे पूरा सर्कुलर पार्ट में बिठाना पड़ेगा, बराबर रखना पड़ेगा, तो अगर ये इसका हाफ है तो पूरा सर्कुलर कितना है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर जो सबसे बिगेस्ट पार्ट होगा वो इसका भी हाफ ही रहा होगा, हाफ ही कॉन्फिग्रेशन आएगी, तो इसका मतलब 180 डिग्री रहा होगा और ये लार्जेस्ट आपके पास एंगल 180 डिग्री गिवन है, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगर मान लो 180 नहीं होता, स्मॉलेस्ट होता फिर, तो फिर आप 60 वाला चेक कर लेते, 60 वाला इसका कितना पार्ट दिख रहा है, 1/5, तो 360 का भी 1/5 कर लेते, 72 डिग्री होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर चलते हैं। एन इंडिविजुअली परचेज 3 क्वांटिटी ऑफ पेंसिल, द डाटा इज रिलेवेंट गिवन, इट इज नोन दैट द एवरेज पर्सन एवरेज प्राइस इज 1.25, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो एवरेज होता है वो क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट को इतना भी डेफिनेटली पता होगा, मान लो आपके पास 50 रुपए हैं और 1 रुपए की एक पेंसिल है, तो कितनी क्वांटिटी बाय करोगे, डेफिनेटली 50 पेंसिल लेकर आओगे। ये 50 कैसे आएगा, 50 डिवाइड बाय 1 करना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा समझने की कोशिश करें, अगर आपके पास टोटल 20 रुपए है, ठीक है, और 2 रुपए की एक पेंसिल है, तो आप 10 पेंसिल लेकर आओगे ना मार्केट से, और ये 10 कैसे आएगा, ये आएगा प्राइस डिवाइड बाय द सॉरी प्राइस नहीं मनी डिवाइड बाय द प्राइस विच इज इक्वल टू 10, क्लियर। और ये आएगा क्या, ये क्वांटिटी आएगा, जैसे कि ये आया था 50 डिवाइड बाय 1, ये आएगा 50 क्वांटिटी, ऐसे ही आएगा मेरे पास x डिवाइड बाय 1.5, 1.5 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 2/3x, क्लियर हो गया। अब सभी बच्चों को ये पता चल गया कि ये मेरे पास क्या है, क्वांटिटी है, और क्वांटिटी के हिसाब से आपको अगर मैं टोटल पैसा बोल दूं कि टोटल पैसा आपके पास कितना है, 70 + x, तो हमें क्या करना था, सम डिवाइड बाय नंबर, तो सम कितना आएगा मेरे पास, 70 + x, और क्वांटिटी कितनी आएगी यहाँ पर, इनको ऐड करेंगे, एक तो 50 की क्वांटिटी है, दूसरी है 2/3x वाली क्वांटिटी, तीसरी है मेरे पास 10 वाली क्वांटिटी, तीनों को ऐड करेंगे, अगर मनी को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो प्राइस आएगा एवरेज 1.25 जो कि यहाँ पे गिवन था। आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लाई आप एक्स की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे वो आएगी 30, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर चलते हैं। A pie chart depict the classification of a total fund of an organization according to the different source of fund. A particular sector of pie chart of for corporate tax has 108 degree angle at the center. What is the percent of income from the corporate tax to the total fund? काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, 108 डिग्री मेरे पास कॉर्पोरेट वाला टैक्स है और हमें पता है पाई डायग्राम के अंदर टोटल कितना होता है, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में से 108 डिग्री वाला डाटा कितना परसेंट है, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंट निकाल सकते हैं। आफ्टर द कैलकुलेशन ये 30% आएगा, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। 2016 के सेकंड पेपर तक हमने यहाँ पे सारे के सारे जो डीआई के क्वेश्चन है 2022 के सेकंड पेपर से लेकर जितने भी पेपर थे सीडीएस के, वो सारे के सारे कवर किए हैं डीआई के रिलेटेड। अगर मैं 2016 का पहला पेपर या 2015 के या 2014 के पेपर को डिस्कशन करूं तो उनके अंदर कोई भी डीआई का क्वेश्चन नहीं मिला है, ठीक है। उसके पीछे वाले जो ज्यादा क्वेश्चन ओल्ड है उनको हमें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं डेफिनेटली आप कर सकते हैं, कंसेप्ट आपके सारे के सारे इस वीडियो के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो 2016-15 की अगर मैं बात करूं वहां पर क्वेश्चन नहीं आए थे, सेकंड तक आए हुए हैं, वो हमने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज्वाइन करें। आने वाले टाइम के अंदर आपको यहाँ पे और भी इस चैनल के अंदर मैथ और रीजनिंग के और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या टॉपिक सीखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक कोई ऐसा पेपर है जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, कमेंट वहाँ पे लिख सकते हैं रिलेटेड टू योर एग्जाम, जो भी एग्जाम है आप मैथ का या कोई भी आप रीजनिंग का उसमें सोल्यूशन चाहते हैं वो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस टेलीग्राम ज्वाइन जरूर आप कर ले, वहां पे भी आप मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। बाकी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।